हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करेंगे उसका नाम है शाकुंतलम। शाकुंतलम एक पैन इंडिया फिल्म थी जिसको तेलुगु लैंग्वेज में बनाया हुआ था। उसके बाद में हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा में डब करके साथ ही में थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था। तो इस फिल्म के सभी जो वर्जन है वो कौन से OTT प्लेटफॉर्म, कौन से सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के पर डिटेलिंग दी जाएगी। फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा जहां पे मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस करके देने वाला हूं। फिल्म की स्टार का, सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत करेंगे। म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। शाकुंतलम जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक माइथोलॉजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को पैन इंडिया लेवल पे क्रिएट किया गया था, जहाँ पे फिल्म को तेलुगु वर्जन में बनाया हुआ था। वहीं पे तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी इन सभी वर्जन में फिल्म को डब करके थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था। शाकुंतलम एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म थी जिसको काफ़ी हाई बजट में बनाया हुआ था। करीबन बताया जा रहा था कि 60 से 70 करोड़ जितना इस फिल्म का बजट है, तो उस हिसाब से इस फिल्म में काम किया हुआ था। जहाँ पे इस फिल्म के जो जॉनर है माइथोलॉजिकल रोमांटिक ड्रामा, उसमें लिखावट की हुई है गुणाशेखर ने। फिल्म के डायलॉग साई माधव बुर्रा ने लिखे हुए। शाकुंतला जो कालिदास की बुक थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ था। स्क्रीन प्ले डायरेक्शन गुणाशेखर का था, वहीं पे प्रोड्यूस किया हुआ है नीलिमा गुना ने। और इस फिल्म को गुना टीम वर्क्स, श्री वेंकटेश्वरा सिनेमा क्रिएशंस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 65 करोड़ में बनाया हुआ था। श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी दिल राजू प्रोड्यूसर किए। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूट इस फिल्म को फिल्म्स ने किया हुआ है, जिन्होंने हिंदी वर्जन फिल्म का रिलीज करवाया हुआ था। तेलुगु जो वर्जन था वो डिस्ट्रीब्यूट श्री वेंकटेश्वरा सिनेमा क्रिएशन जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने ही करवाया हुआ था। इस फिल्म के टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी शेखर वी जोसेफ ने की हुई है। फिल्म की एडिटिंग प्रवीण पुडी ने की हुई थी, जिन्होंने 142 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 22 मिनट की देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से UA सर्टिफिकेट मिला हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में मनीष शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर, सॉन्ग्स कंपोज किए हुए, जहाँ पर इस फिल्म में टोटल 4 गाने सभी वर्जन में, सभी गानों को का राइट्स है वो टिप्स वालों ने खरीदे हुए थे, टिप्स इंडस्ट्रीज़ ने। वहीं पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में समंथा रुथ प्रभु देखने को मिलेगी, जिन्होंने शकुंतला का रोल प्ले किया हुआ है। देव मोहन ने दुष्यंत का रोल प्ले किया हुआ है। सचिन खेडेकर ने कानवा महर्षि का रोल प्ले किया हुआ है। मोहन बाबू ने दुर्वासा महर्षि का रोल प्ले किया हुआ है। अदिति बालन को प्रिया वदा का रोल दिया गया था। अनन्या नागल्ला ने इस फिल्म में अनासोया का रोल प्ले किया हुआ है। प्रकाश राज ने सारंगी का रोल प्ले किया हुआ है। गौतमी ने गौतमी का रोल प्ले किया हुआ है। मधु ने मेनका का रोल प्ले किया हुआ है। कबीर बेदी को कश्यप महर्षि का रोल दिया गया था। जीसू सेन गुप्ता ने इंद्रदेव का रोल प्ले किया हुआ है। कबीर दुहान सिंह को किंग असुरा का रोल दिया गया था। अल्लू आरा जो अल्लू अर्जुन की बेटी है उन्होंने प्रिंस भरता के रोल में इस फिल्म के साथ अपने सिनेमा जगत में डेब्यू किया हुआ था। एक्ट्रेस के तौर पर, चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर वर्षिनी सौंदरराजन ने सनमुथी का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पर हरीश उथमन, सुब्बाराजू, आदर्श बालाकृष्णन, यश पुरी भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे। तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत 2017 में ही की गई थी, जहां पे पहले इस फिल्म के अलावा एक फिल्म बनने वाली थी। डायरेक्टर गुणाशेखर ने हिरण्यकश्यप फिल्म के ऊपर बातचीत की हुई थी। राणा दग्गू भट्टी उसमें लीड रोल में होने वाले, एक हिस्टोरिकल एपिक टेल होने वाली असुरा की और हिरण्यकश्यप के बीच की। बाद में अक्टूबर 2020 में अचानक डायरेक्टर ने बात की हुई थी कि प्री प्रोडक्शन है वो हिरण्यकश्यप का कंप्लीट हो चुका है। कोविड के दौरान चीज़ें चेंज हो गई और उसके बाद में उन्होंने कहा कि इस फिल्म की शूटिंग आने वाले समय में नहीं बनेगी। लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक और फिल्म बनाई हुई है कालिदासा के 4th century प्ले शाकुंतला के ऊपर। तो उस फिल्म की कहानी को हम इसमें प्ले कर, इस फिल्म में उनको इर्द गिर्द उनकी और दुष्यंत की जो लव स्टोरी है शाकुंतला की वो इस फिल्म में दिखाएंगे। जहाँ पे इस फिल्म में पहले उन्होंने अनुष्का शेट्टी को अप्रोच किया हुआ था इस रोल के लिए। इससे पहले उन्होंने रुद्रमादेवी के साथ काम किया हुआ था, वो फिल्म वैसे कुछ सक्सेसफुल नहीं साबित हो पाई थी। उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के लिए मलयालम एक्टर देव मोहन को अप्रोच किया हुआ था, दुष्यंत का रोल करने के लिए उनको एक किरदार पसंद आया था। एक्ट्रेस के तौर पर साहिबा को अप्रोच किया गया था कुछ इम्पोर्टेंट रोल के लिए, कैरेक्टर रोल के लिए, लेकिन उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं हुई थी। बाद में वो इस फिल्म में से आगे बढ़ चुकी थी। सेवरल रीजंस के चलते समंता को इस फिल्म में ऑफिशियली कास्ट किया गया था, लीड रोल दिया गया था, जहाँ पे देव मोहन के अपोजिट उनको कास्ट किया हुआ था। उसके बाद में अलग अलग एक्टर्स को इस फिल्म में कास्ट किया गया था। उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी। नॉर्थ का पूरा सेट तैयार किया हुआ था, हस्तिनापुर का, कश्मीर का, हिमालय का, तो वो सभी चीज़ें सेट बना के क्रिएट की हुई थी। सेट डिज़ाइन अशोक कोलारथ ने की हुई थी। उसके बाद में नीता लुल्ला जो एक नेशनल अवॉर्डी है, फैशन डिज़ाइनर है, उन्होंने इस फिल्म की कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की हुई थी। इससे पहले रुद्रमादेवी की कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी उन्होंने ही की हुई थी। फिल्म की शूटिंग को 15 मार्च 2021 से अन्नपूर्णा स्टूडियो से स्टार्ट किया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म को कोविड के चलते रोकना पड़ा था। वैसे फिल्म को हैदराबाद में अन्नपूर्णा स्टूडियो में बाद में वापस से स्टार्ट किया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म को पूरी तरह से अगस्त 2021 में अन्नपूर्णा स्टूडियो में कंप्लीट करवाया हुआ था। अगस्त के लास्ट वीक में इस फिल्म को कंप्लीट करवाया था। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में विजुअल, ग्राफिक्स, इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था। कुछ टैलेंटेड आर्टिस्ट थे, जहाँ पे VFX के लिए कनाडा, हांगकॉन्ग, चाइना इस फिल्म को विजुअलाइजेशन राइट के लिए ले जाया गया था। और इस तरह से बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से VFX में भी कंप्लीट करवाया था। समंथा ने अपनी डबिंग पोर्शन को अप्रैल 2022 में कंप्लीट करवाया था। उन्होंने इस फिल्म के लिए तेलुगु, तमिल और हिंदी वर्जन में अपना डब, वॉइस और खुद किया हुआ था। उसके बाद में जनवरी 2022 तक अल्लू आरा ने अपना डबिंग कंप्लीट किया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म का 3D फॉर्मेट कन्वर्ट करवाया गया था। 2023 में जनवरी महीने में इस फिल्म को 3D में कन्वर्ट करवा के कंप्लीट करवाया था। उसके बाद में सेंसर सर्टिफिकेशन लिया गया था। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से UA सर्टिफिकेट मिला हुआ था। फिल्म में टोटल 4 गाने थे, जिसको मनीष शर्मा के पास कंपोज करवाया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो कंपोजिशन है, बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स के, वो मनीष शर्मा ने की हुई थी। इसके अलावा 21 मिनट 36 सेकंड का साउंड ट्रैक था, जहां पे इस फिल्म के ट्रैक लिस्ट की बात करें तो पहला गाना था मल्लिका मल्लिका, जिसके लिरिक्स चैतन्य प्रसाद ने लिखे हुए। सिंगर रम्या बेहरा थी। वहीं पे ऋषिवन लोना करके जो गाना था, उसके लिरिक्स श्रीमनी ने लिखे हुए थे। चिन्मयी श्रीपाड़ा और सिद्ध श्रीराम ने गाया हुआ था। यल्ले लो गाने को लिखा हुआ है चैतन्य प्रसाद ने, गाया हुआ है अनुराग कुलकर्णी ने। मधुरा गथम करके जो गाना है, उसके लिरिक्स श्रीमनी ने लिखे हुए थे। सिंगर अरमान मलिक और श्रेया घोषाल थे। इसके अलावा हिंदी वर्जन में उन गानों को लिखा हुआ था प्रशांत इंगोले ने। लिरिक्स उनके थे सभी गानों के लिए। पहला गाना था मल्लिका मल्लिका, उसको रम्या बेहरा ने ही गाया हुआ था। ऋषि मुनिया का करके जो गाना था, उसको चिन्मय श्रीपाड़ा और नरेश आयर ने गाया हुआ था। यल्ले ले लो को जावेद अली ने गाया हुआ था। मधुरा कल तू, उसको अरमान मलिक और श्वेता मोहन ने गाया हुआ था। तो इस तरह से हिंदी व ट्रैक लिस्ट को भी तैयार किया हुआ था। फिलहाल में सभी वर्जन के जो गाने हैं, वो टिप्स के अलग अलग जो यूट्यूब चैनल है, तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी वर्जन के लिए, वहाँ पे सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे। शाकुंतलम की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की कहानी और शाकुंतला के किरदार के ऊपर सेट की हुई है, और उसमें जो प्ले ओरिजिनली में जो घटा था, जो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए हुए, जहां पे इस फिल्म में पूरी तरह से शाकुंतला और दुष्यंत की जो रिलेशनशिप है, उसको एक एंगल के साथ प्रूव करने की कोशिश की हुई, वो सभी चीज़ें फिल्म में दिखाई हुई है। इसके अलावा इस फिल्म में समंथा ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है, जहाँ पे उनका स्क्रीन टाइम आपको सेकंड हाफ में कम नजर आएगा। हाँ, लीड एक्ट्रेस है, मेन किरदार है, टाइटल उनके ऊपर ही है, तो भी उनका रोल सेकंड हाफ में कम है, लेकिन उसके बावजूद वो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल कर रही थी। इमोशनल सीन्स में समंथा ने अपना एक मकाम हासिल किया हुआ है फिल्म के साथ। उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म में जो किरदार है वो प्ले किया हुआ था अपना, उसमें उनका जो अलग अलग शेड्स देखने को मिलता है वो बढ़िया है। देव मोहन के साथ उनकी केमिस्ट्री बढ़िया नज़र आ रही थी। देव मोहन ने भी बखूबी अपना काम किया हुआ है, उनका भी करिश्मा, उनका लुक फिल्म में काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने अपना काम अप्रोच किया हुआ है किरदार के प्रति, वो बढ़िया था। दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट जैसे कि मोहन बाबू है, अल्लू आरहा है, ये सभी उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। सभी एक्टर्स का काम बढ़िया था, सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। उसके बावजूद फिल्म को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया था, वो थोड़ा डल नज़र आ रहा है। डायरेक्टर थोड़ा बेहतर वे में इन सभी चीज़ों को दिखा सकते थे। स्क्रीन प्ले फिल्म का बेहतर हो सकता था। जो आइडिया था उसमें जो सिंप्लिसिटी स्टोरी में नज़र आते, उसको थोड़ा बेटर वे में हमारे सामने पेश किया जा सकता था। कहानी काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो जाती है। ड्रामा चीज़ों को काफ़ी मेजोरिटी वे में मिसिंग वेनर में दिखाया हुआ है। इसके अलावा जिस तरह से कैरेक्टर के साथ हमें कनेक्शन होना चाहिए वो महसूस नहीं होता है। इसके वीएफएक्स और सीजीआई भी काम भी काफ़ी ठीक ठाक नज़र आता है। इसके अलावा इस फिल्म को पहले बताया गया था 80 करोड़ में बनाए, बाद में 60 करोड़ में, पर जिस तरह का वीएफएक्स जो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो कुछ खास नहीं है। 3D वर्जन कन्वर्ट तो किया था लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा इस फिल्म में काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें जिसको बेटर की जा सकती थी, लेकिन ओवरऑल बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट था, गाने डिसेंट थे, सिनेमेटोग्राफी डिसेंट नज़र आती है, एडिटिंग काफ़ी बेहतर हो सकती थी, फिल्म के कई सीन्स को चॉपअप किया जा सकता था। प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की बजट के हिसाब से जिस तरह जो चीज़ें देखने को मिलती है वो काफ़ी पुअर नज़र आती है। ओवरऑल ये एक ऐसी मैथिकल ड्रामा फिल्म है जो हमें इम्प्रेस करने में फेल हो जाती है। इमोशनली इस फिल्म की चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ चीज़ों को दिखाया हुआ है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें फिल्म से मिसिंग नज़र आती है। ड्रामा जिस तरह से वीएफएक्स पोर्शन है वो सभी चीज़ें जिस तरह से हैंडल किए हुए वो सभी चीज़ें बहुत ही इम्पैक्ट को रिड्यूस करती हुई नज़र आती है। तो ओवरऑल समंथा की ऑनेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, अदरवाइज़ फिल्म में ऐसा कुछ खास नहीं है। शाकुंतलम फिल्म को तेलुगु के साथ तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में 14 अप्रैल 2023 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। फिल्म को जब थिएटर में रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला, जिसके चलते आईएमडीबी के ऊपर इस फिल्म को 4.7 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से, जिसमें करीबन फिल्म को आईएमडीबी पे करीबन 700 वोट मिले हुए थे, तो एक बिलो एवरेज रेटिंग हासिल हुई थी फिल्म को। उसके बाद में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे भी कुछ उसी काइंड ऑफ कलेक्शन किया हुआ था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह से फेल साबित हुई थी। इस फिल्म ने जिस तरह से अपनी ओपनिंग ली हुई थी उससे अंदाज़ा लग गया था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी। आपको पहले मैं हिंदी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन की डिटेल दे देता हूँ। पहले दिन फिल्म ने 32 लाख का नेट कलेक्शन किया था, दूसरे दिन 29 लाख का, तीसरे दिन फिर से 32 लाख का नेट कलेक्शन करते हुए 93 लाख का इस फिल्म ने इंडिया में हिंदी वर्जन का वीकेंड कलेक्शन लिया हुआ था। नेट कलेक्शन 10 लाख का मंडे के दिन, 9 लाख का ट्यूसडे के दिन, वेडनेसडे के दिन फिर से 8 लाख का, थर्सडे के दिन 7 लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने एक वीक तक बहुत ही बुरी तरह से सर्वाइव किया हुआ था, जहां पे हिंदी वर्जन 1 करोड़ 27 लाख में ही सिमट गया था। तो हिंदी वर्जन फिल्म का नहीं चला, ठीक उसी तरह तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम कोई भी वर्जन नहीं चला, जिसके चलते समंता का जो स्टारडम था उस हिसाब से फिल्म डिसेंट वे में ओपनिंग ले सकती थी, लेकिन गुनाशेखर ने जिस तरह चीज़ों को पेश किया था वो पूरा एक वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट किया, जिसके चलते फिल्म वीकेंड में ही फ्लॉप हो गई, जहाँ पे इस फिल्म ने 65 करोड़ के बजट के सामने सिर्फ 20 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म एक बॉक्स ऑफिस बॉम्ब साबित हुई, अनसक्सेसफुल साबित हुई थी। जहाँ पे इस फिल्म के जो OTT राइट्स थे सभी वर्जन के वो Amazon प्राइम वीडियो वालों ने काफ़ी भारी रकम में खरीदे हुए थे, जहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया था 10 फरवरी 2023 को कि उनके पास इस फिल्म के ऑफिशियल राइट्स है हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा सभी वर्जन के लिए। और उसके बाद में उन्होंने 14 अप्रैल 2023 को इन सभी वर्जन को रिलीज़ करने का फैसला लिया था, लेकिन बाद में चीज़ें पोस्टपोन की गई और उसके बाद में अमेज़न प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को 11 मई 2023 को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया उनके OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में। तो गाइज़ अगर आपको फ़िलहाल में इस फिल्म को ऑफिशियली देखना है तो OTT प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर तेलुगु मेन लैंग्वेज के साथ हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम इन सभी डब्ड वर्जन में ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शाकुंतलम फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम इन सभी वर्जन में, जहाँ पे तेलुगु मेन वर्जन है, बाकी सभी डब्ड वर्जन है। तो दोस्तों इस तरह से शाकुंतलम फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। शाकुंतलम जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक माइथोलॉजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को पैन इंडिया लेवल पे क्रिएट किया गया था, जहाँ पे फिल्म को तेलुगु वर्जन में बनाया हुआ था, वहीं पे तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी इन सभी वर्जन में फिल्म को डब करके थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था। शाकुंतलम एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म थी जिसको काफ़ी हाई बजट में बनाया हुआ था। करीबन बताया जा रहा था कि 60 से 70 करोड़ जितना इस फिल्म का बजट है, तो उस हिसाब से इस फिल्म में काम किया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म के जो जॉनर है माइथोलॉजिकल रोमांटिक ड्रामा उसमें लिखावट की हुई है गुणसेखर ने। फिल्म के डायलॉग साई माधव बुर्रा ने लिखे हुए। शाकुंतला जो कालिदास की बुक थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ था। स्क्रीन प्ले डायरेक्शन गुणाशेखर का था, वहीं पे प्रोड्यूस किया हुआ है नीलिमा गुना ने। और इस फिल्म को गुना टीम वर्क्स श्री वेंकटेश्वरा सिनेमा क्रिएशंस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 65 करोड़ में बनाया हुआ था। श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी दिल राजू प्रोड्यूसर किए। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूट इस फिल्म को ए फिल्म्स ने किया हुआ है, जिन्होंने हिंदी वर्जन फिल्म का रिलीज करवाया हुआ था। तेलुगु जो वर्जन था वो डिस्ट्रीब्यूट श्री वेंकटेश्वरा सिनेमा क्रिएशन जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने ही करवाया हुआ था। इस फिल्म के टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी शेखर वी जोसेफ ने की हुई है। फिल्म की एडिटिंग प्रवीण पुडी ने की हुई थी, जिन्होंने 142 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 22 मिनट की देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में मनीष शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए, जहाँ पर इस फिल्म में टोटल 4 गाने सभी वर्जन में, सभी गानों को का राइट्स है वो टिप्स वालों ने खरीदे हुए थे, टिप्स इंडस्ट्रीज़ ने। वहीं पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में समंथा रुथ प्रभु देखने को मिलेगी, जिन्होंने शकुंतला का रोल प्ले किया हुआ है। देव मोहन ने दुष्यंत का रोल प्ले किया हुआ है। सचिन खेडेकर ने कानवा महर्षि का रोल प्ले किया हुआ है। मोहन बाबू ने दुर्वासा महर्षि का रोल प्ले किया हुआ है। अदिति बालन को प्रिया वदा का रोल दिया गया था। अनन्या नागल्ला ने इस फिल्म में अनासोया का रोल प्ले किया हुआ है। प्रकाश राज ने सारंगी का रोल प्ले किया हुआ है। गौतमी ने गौतमी का रोल प्ले किया हुआ है। मधु ने मेनका का रोल प्ले किया हुआ है। कबीर बेदी को कश्यप महर्षि का रोल दिया गया था। जीसू सेन गुप्ता ने इंद्रदेव का रोल प्ले किया हुआ है। कबीर दुहान सिंह को किंग असुरा का रोल दिया गया था। अल्लू आरा जो अल्लू अर्जुन की बेटी है उन्होंने प्रिंस भारता के रोल में इस फिल्म के साथ अपने सिनेमा जगत में डेब्यू किया हुआ था। एक्ट्रेस के तौर पर, चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर वर्षिनी सौंदरराजन ने सानमोथी का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पर हरीश उथामन, सुब्बाराजू, आदर्श बालाकृष्णन, यश पुरी भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे। तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत 2017 में ही की गई थी, जहां पे पहले इस फिल्म के अलावा एक फिल्म बनने वाली थी। डायरेक्टर गुणाशेखर ने हिरण्यकश्यप फिल्म के ऊपर बातचीत की हुई थी। राणा दग्गू भट्टी उसमें लीड रोल में होने वाले, एक हिस्टोरिकल एपिक टेल होने वाली असुरा की और हिरण्यकश्यप के बीच की। बाद में अक्टूबर 2020 में अचानक डायरेक्टर ने बात की हुई थी कि प्री प्रोडक्शन है वो हिरण्यकश्यप का कंप्लीट हो चुका है। कोविड के दौरान चीज़ें चेंज हो गई और उसके बाद में उन्होंने कहा कि इस फिल्म की शूटिंग आने वाले समय में नहीं बनेगी, लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक और फिल्म बनाई हुई है कालिदासा के 4th century प्ले शाकुंतला के ऊपर। तो उस फिल्म की कहानी को हम इसमें इस फिल्म में उनको इर्द गिर्द उनकी और दुष्यंत की जो लव स्टोरी है शाकुंतला की वो इस फिल्म में दिखाएंगे, जहाँ पे इस फिल्म में पहले उन्होंने अनुष्का शेट्टी को अप्रोच किया हुआ था इस रोल के लिए। इससे पहले उन्होंने रुद्रमादेवी के साथ काम किया हुआ था, वो फिल्म वैसे कुछ सक्सेसफुल नहीं साबित हो पाई थी। उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के लिए मलयालम एक्टर देव मोहन को अप्रोच किया हुआ था दुष्यंत का रोल करने के लिए, उनको एक किरदार पसंद आया था। एक्ट्रेस के तौर पर रिसाइबा को अप्रोच किया गया था कुछ इंपॉर्टेंट रोल के लिए, कैरेक्टर रोल के लिए, लेकिन उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं हुई थी। बाद में वो इस फिल्म में से आगे बढ़ चुकी थी सेवरल रीजंस के चलते। समंता को इस फिल्म में ऑफिशियली कास्ट किया गया था, लीड रोल दिया गया था, जहाँ पे देव मोहन के अपोजिट उनको कास्ट किया हुआ था। उसके बाद में अलग अलग एक्टर्स को इस फिल्म में कास्ट किया गया था। उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी। नॉर्थ का पूरा सेट तैयार किया हुआ था, हस्तिनापुर का, कश्मीर का, हिमालय इसका, तो वो सभी चीज़ें सेट बना के क्रिएट की हुई थी। सेट डिज़ाइन अशोक कोलारथ ने की हुई थी। उसके बाद में नीता लुल्ला जो एक नेशनल अवॉर्डी है, फैशन डिज़ाइनर है, उन्होंने इस फिल्म की कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की हुई थी। इससे पहले रुद्रमादेवी की कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी उन्होंने ही की हुई थी। फिल्म की शूटिंग को 15 मार्च 2021 से अन्नपूर्णा स्टूडियो से स्टार्ट किया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म को कोविड के चलते रोकना पड़ा था। वैसे फिल्म को हैदराबाद में अन्नपूर्णा स्टूडियो में बाद में वापस से स्टार्ट किया हुआ था, जहां पे इस फिल्म को पूरी तरह से अगस्त 2021 में अन्नपूर्णा स्टूडियो में कंप्लीट करवाया हुआ था। अगस्त के लास्ट वीक में इस फिल्म को कंप्लीट करवाया था। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में विजुअल, ग्राफिक्स, इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था। कुछ टैलेंटेड आर्टिस्ट थे, जहाँ पे वीएफएक्स के लिए कनाडा, हांगकॉन्ग, चाइना इस फिल्म को विजुअलाइजेशन राइट के लिए ले जाया गया था और इस तरह से बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से वीएफएक्स में भी कंप्लीट करवाया था। समंथा ने अपनी डबिंग पोर्शन को अप्रैल 2022 में कंप्लीट करवाया था। उन्होंने इस फिल्म के लिए तेलुगु, तमिल और हिंदी वर्जन में अपना डब वॉइस और खुद किया हुआ था। उसके बाद में जनवरी 2022 तक अल्लू आरा ने अपना डबिंग कंप्लीट किया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म का 3D फॉर्मेट कन्वर्ट करवाया गया था। 2023 में जनवरी महीने में इस फिल्म को 3D में कन्वर्ट करवा के कंप्लीट करवाया था। उसके बाद में सेंसर सर्टिफिकेशन लिया गया था। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। फिल्म में टोटल 4 गाने थे जिसको मनीष शर्मा के पास कंपोज करवाया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो कंपोजिशन है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स के वो मनीष शर्मा ने की हुई थी। इसके अलावा 21 मिनट 36 सेकंड के साउंड ट्रैक था। जहां पे इस फिल्म के ट्रैक लिस्ट की बात करें तो पहला गाना था मल्लिका मल्लिका, जिसके लिरिक्स चैतन्य प्रसाद ने लिखे हुए। सिंगर रम्या बेहरा थी। वहीं पे रुसिवन लोना करके जो गाना था उसके लिरिक्स श्रीमनी ने लिखे हुए थे। चिन्मयी श्रीपाड़ा और सिद्ध श्री राम ने गाया हुआ था। यल्ले लो गाने को लिखा हुआ है चैतन्य प्रसाद ने, गाया हुआ है अनुराग कुलकर्णी ने। मधुरा गथम करके जो गाना है उसके लिरिक्स श्रीमनी ने लिखे हुए थे। सिंगर अरमान मलिक और श्रेया घोषाल थे। इसके अलावा हिंदी वर्जन में उन गानों को लिखा हुआ था प्रशांत इंगोले ने। लिरिक्स उनके थे सभी गानों के लिए। पहला गाना था मल्लिका मल्लिका, उसको रम्या बेहरा ने ही गाया हुआ था। ऋषि मुनिया का करके जो गाना था उसको चिन्मय श्रीपाड़ा और नरेश आयर ने गाया हुआ था। यल्ले ले लो को जावेद अली ने गाया हुआ था। मधुरा कल तू, उसको अरमान मलिक और श्वेता मोहन ने गाया हुआ था। तो इस तरह से हिंदी व ट्रैक लिस्ट को भी तैयार किया हुआ था। फिलहाल में सभी वर्जन के जो गाने हैं वो टिप्स के अलग अलग जो यूट्यूब चैनल है तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी वर्जन के लिए वहाँ पे सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे। शाकुंतलम की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की कहानी और शाकुंतला के किरदार के ऊपर सेट की हुई है और उसमें जो प्ले ओरिजिनली में जो घटा था जो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए हुए, जहां पे इस फिल्म में पूरी तरह से शाकुंतला और दुष्यंत की जो रिलेशनशिप है उसको एक एंगल के साथ प्रूव करने की कोशिश की हुई, वो सभी चीज़ें फिल्म में दिखाई हुई है। इसके अलावा इस फिल्म में समंथा ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है, जहाँ पे उनका स्क्रीन टाइम आपको सेकंड हाफ में कम नजर आएगा। हाँ, लीड एक्ट्रेस है, मेन किरदार है, टाइटल उनके ऊपर ही है, तो भी उनका रोल सेकंड हाफ में कम है, लेकिन उसके बावजूद वो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल कर रही थी। इमोशनल सीन्स में समंथा ने अपना एक मकाम हासिल किया हुआ है फिल्म के साथ। उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म में जो किरदार है वो प्ले किया हुआ था अपना, उसमें उनका जो अलग अलग शेड्स देखने को मिलता है वो बढ़िया है। देव मोहन के साथ उनकी केमिस्ट्री बढ़िया नज़र आ रही थी। देव मोहन ने भी बखूबी अपना काम किया हुआ है, उनका भी करिश्मा, उनका लुक फिल्म में काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने अपना काम अप्रोच किया हुआ है किरदार के प्रति वो बढ़िया था। दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट जैसे कि मोहन बाबू है, अल्लू आरहा है, ये सभी उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। सभी एक्टर्स का काम बढ़िया था, सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। उसके बावजूद फिल्म को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया था वो थोड़ा डल नज़र आ रहा है। डायरेक्टर थोड़ा बेहतर वे में इन सभी चीज़ों को दिखा सकते थे। स्क्रीन प्ले फिल्म का बेहतर हो सकता था। जो आइडिया था उसमें जो सिंप्लिसिटी स्टोरी में नज़र आते उसको थोड़ा बेटर वे में हमारे सामने पेश किया जा सकता था। कहानी काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो जाती है। ड्रामा चीज़ों को काफ़ी मेजोरिटी वे में मिसिंग मैनर में दिखाया हुआ है। इसके अलावा जिस तरह से कैरेक्टर के साथ हमें कनेक्शन होना चाहिए वो महसूस नहीं होता है। इसके वीएफएक्स और सीजीआई भी काम भी काफ़ी ठीक ठाक नज़र आता है। इसके अलावा इस फिल्म को पहले बताया गया था 80 करोड़ में बनाए, बाद में 60 करोड़ में, पर जिस तरह का वीएफएक्स जो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो कुछ खास नहीं है। 3D वर्जन कन्वर्ट तो किया था लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा इस फिल्म में काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें जिसको बेटर की जा सकती थी, लेकिन ओवरऑल बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट था, गाने डिसेंट थे, सिनेमेटोग्राफी डिसेंट नज़र आती है, एडिटिंग काफ़ी बेहतर हो सकती थी, फिल्म के कई सीन्स को चॉप अप किया जा सकता था। प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की बजट के हिसाब से जिस तरह जो चीज़ें देखने को मिलती है वो काफ़ी पुअर नज़र आती है। ओवरऑल ये एक ऐसी मैथकल ड्रामा फिल्म है जो हमें इम्प्रेस करने में फेल हो जाती है। इमोशनली इस फिल्म की चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ चीज़ों को दिखाया हुआ है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें फिल्म से मिसिंग नज़र आती है। ड्रामा जिस तरह से वीएफएक्स पोर्शन है वो सभी चीज़ें जिस तरह से हैंडल किए हुए वो सभी चीज़ें बहुत ही इम्पैक्ट को रिड्यूस करती हुई नज़र आती है। तो ओवरऑल समंथा की ऑनेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, अदरवाइज़ फिल्म में ऐसा कुछ खास नहीं है। शाकुंतलम फिल्म को तेलुगु के साथ तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में 14 अप्रैल 2023 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। फिल्म को जब थिएटर में रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला, जिसके चलते आईएमडीबी के ऊपर इस फिल्म को 4.7 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से, जिसमें करीबन फिल्म को आईएमडीबी पे करीबन 700 वोट मिले हुए थे। तो एक बिलो एवरेज रेटिंग हासिल हुई थी फिल्म को। उसके बाद में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे भी कुछ उसी काइंड ऑफ कलेक्शन किया हुआ था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह से फेल साबित हुई थी। इस फिल्म ने जिस तरह से अपनी ओपनिंग ली हुई थी उससे अंदाज़ा लग गया था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी। आपको पहले मैं हिंदी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन की डिटेल दे देता हूँ। पहले दिन फिल्म ने 32 लाख का नेट कलेक्शन किया था, दूसरे दिन 29 लाख का, तीसरे दिन फिर से 32 लाख का नेट कलेक्शन करते हुए 93 लाख का इस फिल्म ने इंडिया में हिंदी वर्जन का वीकेंड कलेक्शन लिया हुआ था। नेट कलेक्शन 10 लाख का मंडे के दिन, 9 लाख का ट्यूसडे के दिन, वेडनेसडे के दिन फिर से 8 लाख का, थर्सडे के दिन 7 लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने एक वीक तक बहुत ही बुरी तरह से सर्वाइव किया हुआ था, जहाँ पे हिंदी वर्जन 1,27 करोड़ में ही सिमट गया था। तो हिंदी वर्जन फिल्म का नहीं चला, ठीक उसी तरह तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम कोई भी वर्जन नहीं चला, जिसके चलते समंता का जो स्टारडम था उस हिसाब से फिल्म डिसेंट वे में ओपनिंग ले सकती थी, लेकिन गुनाशेखर ने जिस तरह चीज़ों को पेश किया होता वो पूरा एक वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट किया, जिसके चलते फिल्म वीकेंड में ही फ्लॉप हो गई, जहाँ पे इस फिल्म ने 65 करोड़ के बजट के सामने सिर्फ 20 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म एक बॉक्स ऑफिस बॉम्ब साबित हुई, अनसक्सेसफुल साबित हुई थी। जहाँ पे इस फिल्म के जो OTT राइट्स थे सभी वर्जन के, वो Amazon प्राइम वीडियो वालों ने काफ़ी भारी रकम में खरीदे हुए थे, जहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया था 10 फरवरी 2023 को कि उनके पास इस फिल्म के ऑफिशियल राइट्स है हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा सभी वर्जन के लिए। और उसके बाद में उन्होंने 14 अप्रैल 2023 को इन सभी वर्जन को रिलीज़ करने का फैसला लिया था, लेकिन बाद में चीज़ें पोस्टपोन की गई और उसके बाद में Amazon प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को 11 मई 2023 को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया उनके OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में। तो गाइज़, अगर आपको फ़िलहाल में इस फिल्म को ऑफिशियली देखना है तो OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर तेलुगु मेन लैंग्वेज के साथ हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम इन सभी डब्ड वर्जन में ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शाकुंतलम फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल, विथ सब्सक्रिप्शन, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम इन सभी वर्जन में, जहाँ पे तेलुगु मेन वर्जन है, बाकी सभी डब्ड वर्जन है। तो दोस्तों, इस तरह से शाकुंतलम फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। शाकुंतलम जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक माइथोलॉजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को पैन इंडिया लेवल पे क्रिएट किया गया था, जहाँ पे फिल्म को तेलुगु वर्जन में बनाया हुआ था, वहीं पे तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी इन सभी वर्जन में फिल्म को डब करके थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था। शाकुंतलम एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म थी, जिसको काफ़ी हाई बजट में बनाया हुआ था। करीबन बताया जा रहा था कि 60 से 70 करोड़ जितना इस फिल्म का बजट है, तो उस हिसाब से इस फिल्म में काम किया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म के जो जॉनर है माइथोलॉजिकल रोमांटिक ड्रामा, उसमें लिखावट की हुई है गुनाशेखर ने। फिल्म के डायलॉग साई माधव बुर्रा ने लिखे हुए। शाकुंतला जो कालिदास की बुक थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ था। स्क्रीन प्ले डायरेक्शन गुनाशेखर का था, वहीं पे प्रोड्यूस किया हुआ है नीलिमा गुना ने। और इस फिल्म को गुना टीम वर्क्स श्री वेंकटेश्वरा सिनेमा क्रिएशंस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 65 करोड़ में बनाया हुआ था। श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी दिल राजू प्रोड्यूसर किए। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूट इस फिल्म को फिल्म्स ने किया हुआ है, जिन्होंने हिंदी वर्जन फिल्म का रिलीज करवाया हुआ था। तेलुगु जो वर्जन था वो डिस्ट्रीब्यूट श्री वेंकटेश्वरा सिनेमा क्रिएशन जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने ही करवाया हुआ था। इस फिल्म के टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी शेखर वी जोसेफ ने की हुई है। फिल्म की एडिटिंग प्रवीण पुडी ने की हुई थी, जिन्होंने 142 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 22 मिनट की देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से UA सर्टिफिकेट मिला हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में मनीष शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए, जहाँ पे इस फिल्म में टोटल 4 गाने सभी वर्जन में, सभी गानों को राइट्स है वो टिप्स वालों ने खरीदे हुए थे, टिप्स इंडस्ट्रीज़ ने। वहीं पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में समंथा रूथ प्रभु देखने को मिलेगी, जिन्होंने शकुंतला का रोल प्ले किया हुआ है। देव मोहन ने दुष्यंत का रोल प्ले किया हुआ है। सचिन खेड़ेकर ने कानवा महर्षि का रोल प्ले किया हुआ है। मोहन बाबू ने दुर्वासा महर्षि का रोल प्ले किया हुआ है। अदिति बालन को प्रिया वदा का रोल दिया गया था। अनन्या नागल्ला ने इस फिल्म में अनासोया का रोल प्ले किया हुआ है। प्रकाश राज ने सारंगी का रोल प्ले किया हुआ है। गौतमी ने गौतमी का रोल प्ले किया हुआ है। मधु ने मेनका का रोल प्ले किया हुआ है। कबीर बेदी को कश्यप महर्षि का रोल दिया गया था। जीसू सेन गुप्ता ने इंद्रदेव का रोल प्ले किया हुआ है। कबीर दुहान सिंह को किंग असुरा का रोल दिया गया था। अल्लू आरा जो अल्लू अर्जुन की बेटी है, उन्होंने प्रिंस भरता के रोल में इस फिल्म के साथ अपने सिनेमा जगत में डेब्यू किया हुआ था। एक्ट्रेस के तौर पर, चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर वर्षिनी सौंदरराजन ने सानमती का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पर हरीश उथामन, सुब्बाराजू, आदर्श बालाकृष्णन, यश पुरी भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे। तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत 2017 में ही की गई थी, जहां पे पहले इस फिल्म के अलावा एक फिल्म बनने वाली थी। डायरेक्टर गुणाशेखर ने हिरण्यकश्यप फिल्म के ऊपर बातचीत की हुई थी। राणा दग्गू भट्टी उसमें लीड रोल में होने वाले, एक हिस्टोरिकल एपिक टेल होने वाली असुरा की और हिरण्यकश्यप के बीच की। बाद में अक्टूबर 2020 में अचानक डायरेक्टर ने बात की हुई थी कि प्री प्रोडक्शन है वो हिरण्यकश्यप का कंप्लीट हो चुका है। कोविड के दौरान चीज़ें चेंज हो गई और उसके बाद में उन्होंने कहा कि इस फिल्म की शूटिंग आने वाले समय में नहीं बनेगी। लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक और फिल्म बनाई हुई है, कालिदासा के 4th century प्ले शाकुंतला के ऊपर। तो उस फिल्म की कहानी को हम इसमें इस फिल्म में उनको इर्द गिर्द उनकी और दुष्यंत की जो लव स्टोरी है शाकुंतला की, वो इस फिल्म में दिखाएंगे। जहाँ पे इस फिल्म में पहले उन्होंने अनुष्का शेट्टी को अप्रोच किया हुआ था इस रोल के लिए। इससे पहले उन्होंने रुद्रमादेवी के साथ काम किया हुआ था। वो फिल्म वैसे कुछ सक्सेसफुल नहीं साबित हो पाई थी। उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के लिए मलयालम एक्टर देव मोहन को अप्रोच किया हुआ था दुष्यंत का रोल करने के लिए। उनको एक किरदार पसंद आया था। एक्ट्रेस के तौर पर रिसाइबा को अप्रोच किया गया था कुछ इंपॉर्टेंट रोल के लिए, कैरेक्टर रोल के लिए, लेकिन उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं हुई थी। बाद में वो इस फिल्म में से आगे बढ़ चुकी थी सेवरल रीजंस के चलते। समंता को इस फिल्म में ऑफिशियली कास्ट किया गया था, लीड रोल दिया गया था, जहाँ पे देव मोहन के अपोजिट उनको कास्ट किया हुआ था। उसके बाद में अलग अलग एक्टर्स को इस फिल्म में कास्ट किया गया था। उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी। नॉर्थ का पूरा सेट तैयार किया हुआ था, हस्तिनापुर का, कश्मीर का, हिमालय इसका, तो वो सभी चीज़ें सेट बना के क्रिएट की हुई थी। सेट डिज़ाइन अशोक कोलारत ने की हुई थी। उसके बाद में नीता लुल्ला जो एक नेशनल अवॉर्डी है, फैशन डिज़ाइनर है, उन्होंने इस फिल्म की कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की हुई थी। इससे पहले रुद्रमादेवी की कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी उन्होंने ही की हुई थी। फिल्म की शूटिंग को 15 मार्च 2021 से अन्नपूर्णा स्टूडियो से स्टार्ट किया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म को कोविड के चलते रोकना पड़ा था। वैसे फिल्म को हैदराबाद में अन्नपूर्णा स्टूडियो में बाद में वापस से स्टार्ट किया हुआ था, जहां पे इस फिल्म को पूरी तरह से अगस्त 2021 में अन्नपूर्णा स्टूडियो में कंप्लीट करवाया हुआ था। अगस्त के लास्ट वीक में इस फिल्म को कंप्लीट करवाया था। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में विजुअल, ग्राफिक्स, इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था। कुछ टैलेंटेड आर्टिस्ट थे, जहाँ पे VFX के लिए कनाडा, हांगकॉन्ग, चाइना इस फिल्म को विजुअलाइजेशन राइट के लिए ले जाया गया था। और इस तरह से बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से VFX में भी कंप्लीट करवाया था। समंथा ने अपनी डबिंग पोर्शन को अप्रैल 2022 में कंप्लीट करवाया था। उन्होंने इस फिल्म के लिए तेलुगु, तमिल और हिंदी वर्जन में अपना डब वॉइस और खुद किया हुआ था। उसके बाद में जनवरी 2022 तक अल्लू आरा ने अपना डबिंग कंप्लीट किया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म का 3D फॉर्मेट कन्वर्ट करवाया गया था। 2023 में जनवरी महीने में इस फिल्म को 3D में कन्वर्ट करवा के कंप्लीट करवाया था। उसके बाद में सेंसर सर्टिफिकेशन लिया गया था। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से UA सर्टिफिकेट मिला हुआ था। फिल्म में टोटल 4 गाने थे, जिसको मनीष शर्मा के पास कंपोज करवाया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो कंपोजिशन है, बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स के, वो मनीष शर्मा ने की हुई थी। इसके अलावा 21 मिनट 36 सेकंड के साउंड ट्रैक था, जहां पे इस फिल्म के ट्रैक लिस्ट की बात करें तो पहला गाना था मल्लिका मल्लिका, जिसके लिरिक्स चैतन्य प्रसाद ने लिखे हुए हैं। सिंगर रम्या बेहरा थी। वहीं पे ऋषिवन लोना करके जो गाना था, उसके लिरिक्स श्रीमणि ने लिखे हुए थे। चिन्मयी श्रीपाड़ा और सिद्ध श्री राम ने गाया हुआ था। यल्ले लो गाने को लिखा हुआ है चैतन्य प्रसाद ने, गाया हुआ है अनुराग कुलकर्णी ने। मधुरा गथम करके जो गाना है, उसके लिरिक्स श्रीमणि ने लिखे हुए थे। सिंगर अरमान मलिक और श्रेया घोषाल थे। इसके अलावा हिंदी वर्जन में उन गानों को लिखा हुआ था प्रशांत इंगोले ने। लिरिक्स उनके थे सभी गानों के लिए। पहला गाना था मल्लिका मल्लिका, उसको रम्या बेहरा ने ही गाया हुआ था। ऋषि मुनिया का करके जो गाना था उसको चिन्मयी श्रीपाड़ा और नरेश आयर ने गाया हुआ था। येल्ले ले ले को जावेद अली ने गाया हुआ था। मधुरा कल तू, उसको अरमान मलिक और श्वेता मोहन ने गाया हुआ था। तो इस तरह से हिंदी व ट्रैक लिस्ट को भी तैयार किया हुआ था। फिलहाल में सभी वर्जन के जो गाने हैं वो टिप्स के अलग अलग जो यूट्यूब चैनल है तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी वर्जन के लिए, वहाँ पे सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे। शाकुंतलम की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की कहानी और शाकुंतला के किरदार के ऊपर सेट की हुई है, और उसमें जो प्ले ओरिजिनली में जो घटा था जो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए हुए, जहाँ पे इस फिल्म में पूरी तरह से शाकुंतला और दुष्यंत की जो रिलेशनशिप है उसको एक एंगल के साथ प्रूव करने की कोशिश की हुई, वो सभी चीज़ें फिल्म में दिखाई हुई है। इसके अलावा इस फिल्म में समंथा ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है, जहाँ पे उनका स्क्रीन टाइम आपको सेकंड हाफ में कम नजर आएगा। हाँ, लीड एक्ट्रेस है, मेन किरदार है, टाइटल उनके ऊपर ही है, तो भी उनका रोल सेकंड हाफ में कम है, लेकिन उसके बावजूद वो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल कर रही थी। इमोशनल सीन्स में समंथा ने अपना एक मकाम हासिल किया हुआ है फिल्म के साथ। उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म में जो किरदार है वो प्ले किया हुआ था अपना, उसमें उनका जो अलग अलग शेड्स देखने को मिलता है वो बढ़िया है। देव मोहन के साथ उनकी केमिस्ट्री बढ़िया नज़र आ रही थी। देव मोहन ने भी बखूबी अपना काम किया हुआ है, उनका भी करिश्मा, उनका लुक फिल्म में काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने अपना काम अप्रोच किया हुआ है किरदार के प्रति वो बढ़िया था। दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट जैसे कि मोहन बाबू है, अल्लू आरहा है, ये सभी उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। सभी एक्टर्स का काम बढ़िया था, सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। उसके बावजूद फिल्म को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया था वो थोड़ा डल नज़र आता है। डायरेक्टर थोड़ा बेहतर वे में इन सभी चीज़ों को दिखा सकते थे। स्क्रीन प्ले फिल्म का बेहतर हो सकता था। जो आइडिया था उसमें जो सिंप्लिसिटी स्टोरी में नज़र आती है उसको थोड़ा बेटर वे में हमारे सामने पेश किया जा सकता था। कहानी काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो जाती है। ड्रामा चीज़ों को काफ़ी मेजोरिटी वे में मिसिंग वेनर में दिखाया हुआ है। इसके अलावा जिस तरह से कैरेक्टर के साथ हमें कनेक्शन होना चाहिए वो महसूस नहीं होता है। इससे वीएफएक्स और सीजीआई भी काम भी काफ़ी ठीक ठाक नज़र आता है। इसके अलावा इस फिल्म को पहले बताया गया था 80 करोड़ में बनाए, बाद में 60 करोड़ में, पर जिस तरह का वीएफएक्स जो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो कुछ खास नहीं है। 3D वर्जन कन्वर्ट तो किया था लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा इस फिल्म में काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें जिसको बेटर की जा सकती थी, लेकिन ओवरऑल बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट था, गाने डिसेंट थे, सिनेमेटोग्राफी डिसेंट नज़र आती है, एडिटिंग काफ़ी बेहतर हो सकती थी, फिल्म के कई सीन्स को चॉपअप किया जा सकता था। प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की बजट के हिसाब से जिस तरह जो चीज़ें देखने को मिलती है वो काफ़ी पुअर नज़र आती है। ओवरऑल ये एक ऐसी मैथिकल ड्रामा फिल्म है जो हमें इम्प्रेस करने में फेल हो जाती है। इमोशनली इस फिल्म की चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ चीज़ों को दिखाया हुआ है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें फिल्म से मिसिंग नज़र आती है। ड्रामा जिस तरह से वीएफएक्स पोर्शन है वो सभी चीज़ें जिस तरह से हैंडल किए हुए वो सभी चीज़ें बहुत ही इम्पैक्ट को रिड्यूस करती हुई नज़र आती है। तो ओवरऑल समंथा की ऑनेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, अदरवाइज फिल्म में ऐसा कुछ खास नहीं है। शाकुंतलम फिल्म को तेलुगु के साथ तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में 14 अप्रैल 2023 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। फिल्म को जब थिएटर में रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला, जिसके चलते आईएमडीबी के ऊपर इस फिल्म को 4.7 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से, जिसमें करीबन फिल्म को आईएमडीबी पे करीबन 700 वोट मिले हुए थे। तो एक बिलो एवरेज रेटिंग हासिल हुई थी फिल्म को। उसके बाद में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे भी कुछ उसी काइंड ऑफ कलेक्शन किया हुआ था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे पूरी तरह से फेल साबित हुई थी। इस फिल्म ने जिस तरह से अपनी ओपनिंग ली हुई थी उससे अंदाज़ा लग गया था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी। आपको पहले मैं हिंदी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन की डिटेल दे देता हूँ। पहले दिन फिल्म ने 32 लाख का नेट कलेक्शन किया था, दूसरे दिन 29 लाख का, तीसरे दिन फिर से 32 लाख का नेट कलेक्शन करते हुए 93 लाख का इस फिल्म ने इंडिया में हिंदी वर्जन का वीकेंड कलेक्शन लिया हुआ था। नेट कलेक्शन 10 लाख का मंडे के दिन, 9 लाख का ट्यूसडे के दिन, वेडनेसडे के दिन फिर से 8 लाख का, थर्सडे के दिन 7 लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने एक वीक तक बहुत ही बुरी तरह से सर्वाइव किया हुआ था, जहाँ पे हिंदी वर्जन 1 करोड़ 27 लाख में ही सिमट गया था। तो हिंदी वर्जन फिल्म का नहीं चला, ठीक उसी तरह तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम कोई भी वर्जन नहीं चला, जिसके चलते समंता का जो स्टारडम था उस हिसाब से फिल्म डिसेंट वे में ओपनिंग ले सकती थी। लेकिन गुणाशेखर ने जिस चीज़ों को पेश किया होता वो पूरा एक वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट किया, जिसके चलते फिल्म वीकेंड में ही फ्लॉप हो गई। जहाँ पे इस फिल्म ने 65 करोड़ के बजट के सामने सिर्फ 20 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म एक बॉक्स ऑफिस बॉम्ब साबित हुई, अनसक्सेसफुल साबित हुई थी। जहाँ पे इस फिल्म के जो OTT राइट्स थे सभी वर्जन के वो Amazon प्राइम वीडियो वालों ने काफ़ी भारी रकम में खरीदे हुए थे। जहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया था 10 फरवरी 2023 को कि उनके पास इस फिल्म के ऑफिशियल राइट्स है हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा सभी वर्जन के लिए। और उसके बाद में उन्होंने 14 अप्रैल 2023 को इन सभी वर्जन को रिलीज़ करने का फैसला लिया था, लेकिन बाद में चीज़ें पोस्टपोन की गई। और उसके बाद में Amazon प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को 11 मई 2023 को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया उनके OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में। तो गाइज़, अगर आपको फ़िलहाल में इस फिल्म को ऑफिशियली देखना है तो OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर तेलुगु मेन लैंग्वेज के साथ हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम इन सभी डब्ड वर्जन में ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शाकुंतलम फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम इन सभी वर्जन में, जहाँ पे तेलुगु मेन वर्जन है, बाकी सभी डब्ड वर्जन है। तो दोस्तों, इस तरह से शाकुंतलम फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। शाकुंतलम जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक माइथोलॉजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को पैन इंडिया लेवल पे क्रिएट किया गया था, जहाँ पे फिल्म को तेलुगु वर्जन में बनाया हुआ था, वहीं पे तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी इन सभी वर्जन में फिल्म को डब करके थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था। शाकुंतलम एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म थी जिसको काफ़ी हाई बजट में बनाया हुआ था। करीबन बताया जा रहा था कि 60 से 70 करोड़ जितना इस फिल्म का बजट है, तो उस हिसाब से इस फिल्म में काम किया हुआ था। जहाँ पे इस फिल्म के जो जॉनर है माइथोलॉजिकल रोमांटिक ड्रामा, उसमें लिखावट की हुई है गुणाशेखर ने। फिल्म के डायलॉग साई माधव बुर्रा ने लिखे हुए। शाकुंतला जो कालिदास की बुक थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ था। स्क्रीन प्ले डायरेक्शन गुणाशेखर का था, वहीं पे प्रोड्यूस किया हुआ है नीलिमा गुना ने। और इस फिल्म को गुना टीम वर्क्स श्री वेंकटेश्वरा सिनेमा क्रिएशंस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 65 करोड़ में बनाया हुआ था। श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी दिल राजू प्रोड्यूसर किए। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूट इस फिल्म को फिल्म्स ने किया हुआ है, जिन्होंने हिंदी वर्जन फिल्म का रिलीज करवाया हुआ था। तेलुगु जो वर्जन था वो डिस्ट्रीब्यूट श्री वेंकटेश्वरा सिनेमा क्रिएशन जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने ही करवाया हुआ था। इस फिल्म के टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी शेखर वी जोसेफ ने की हुई है। फिल्म की एडिटिंग प्रवीण पुडी ने की हुई थी, जिन्होंने 142 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 22 मिनट की देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से UA सर्टिफिकेट मिला हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में मनीष शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए, जहाँ पे इस फिल्म में टोटल 4 गाने सभी वर्जन में, सभी गानों को का राइट्स है वो टिप्स वालों ने खरीदे हुए थे, टिप्स इंडस्ट्रीज़ ने। वहीं पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में समंथा रूथ प्रभु देखने को मिलेगी, जिन्होंने शकुंतला का रोल प्ले किया हुआ है। देव मोहन ने दुष्यंत का रोल प्ले किया हुआ है। सचिन खेडेकर ने कानवा महर्षि का रोल प्ले किया हुआ है। मोहन बाबू ने दुर्वासा महर्षि का रोल प्ले किया हुआ है। अदिति बालन को प्रिया वदा का रोल दिया गया था। अनन्या नागल्ला ने इस फिल्म में अनासोया का रोल प्ले किया हुआ है। प्रकाश राज ने सारंगी का रोल प्ले किया हुआ है। गौतमी ने गौतमी का रोल प्ले किया हुआ है। मधु ने मेनका का रोल प्ले किया हुआ है। कबीर बेदी को कश्यप महर्षि का रोल दिया गया था। जिसु सेन गुप्ता ने इंद्रदेव का रोल प्ले किया हुआ है। कबीर दुहान सिंह को किंग असुरा का रोल दिया गया था। अल्लू आरा जो अल्लू अर्जुन की बेटी है उन्होंने प्रिंस भारता के रोल में इस फिल्म के साथ अपने सिनेमा जगत में डेब्यू किया हुआ था। एक्ट्रेस के तौर पर, चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर वर्षिनी सौंदरराजन ने शानमती का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पर हरीश उथामन, सुब्बाराजू, आदर्श बालाकृष्णन, यश पुरी भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत 2017 में ही की गई थी, जहाँ पे पहले इस फिल्म के अलावा एक फिल्म बनने वाली थी। डायरेक्टर गुणाशेखर ने हिरण्यकश्यप फिल्म के ऊपर बातचीत की हुई थी। राणा दग्गू भट्टी उसमें लीड रोल में होने वाले, एक हिस्टोरिकल एपिक टेल होने वाली असुरा की और हिरण्यकश्यप के बीच की। बाद में अक्टूबर 2020 में अचानक डायरेक्टर ने बात की हुई थी कि प्री प्रोडक्शन है वो हिरण्यकश्यप का कंप्लीट हो चुका है। कोविड के दौरान चीज़ें चेंज हो गई और उसके बाद में उन्होंने कहा कि इस फिल्म की शूटिंग आने वाले समय में नहीं बनेगी। लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक और फिल्म बनाई हुई है कालिदासा के 4th century प्ले शाकुंतला के ऊपर। तो उस फिल्म की कहानी को हम इसमें प्ले इस फिल्म में उनको इर्द गिर्द उनकी और दुष्यंत की जो लव स्टोरी है शाकुंतला की वो इस फिल्म में दिखाएंगे। जहाँ पे इस फिल्म में पहले उन्होंने अनुष्का शेट्टी को अप्रोच किया हुआ था इस रोल के लिए। इससे पहले उन्होंने रुद्रमादेवी के साथ उनके साथ काम किया हुआ था, वो फिल्म वैसे कुछ सक्सेसफुल नहीं साबित हो पाई थी। उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के लिए मलयालम एक्टर देव मोहन को अप्रोच किया हुआ था दुष्यंत का रोल करने के लिए। उनको एक किरदार पसंद आया था। एक्ट्रेस के तौर पर रिसा एबा को अप्रोच किया गया था कुछ इंपॉर्टेंट रोल के लिए, कैरेक्टर रोल के लिए, लेकिन उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं हुई थी। बाद में वो इस फिल्म से आगे बढ़ चुकी थी सेवरल रीजंस के चलते। समंता को इस फिल्म में ऑफिशियली कास्ट किया गया था, लीड रोल दिया गया था, जहाँ पे देव मोहन के अपोजिट उनको कास्ट किया हुआ था। उसके बाद में अलग अलग एक्टर्स को इस फिल्म में कास्ट किया गया था। उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी। नॉर्थ का पूरा सेट तैयार किया हुआ था, हस्तिनापुर का, कश्मीर का, हिमालय इसका, तो वो सभी चीज़ें सेट बना के क्रिएट की हुई थी। सेट डिज़ाइन अशोक कोलारथ ने की हुई थी। उसके बाद में नीता लुल्ला जो एक नेशनल अवॉर्डी है फैशन डिज़ाइनर है, उन्होंने इस फिल्म की कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की हुई थी। इससे पहले रुद्रमादेवी की कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी उन्होंने ही की हुई थी। फिल्म की शूटिंग को 15 मार्च 2021 से अन्नपूर्णा स्टूडियो से स्टार्ट किया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म को कोविड के चलते रोकना पड़ा था। वैसे फिल्म को हैदराबाद में अन्नपूर्णा स्टूडियो में बाद में वापस से स्टार्ट किया हुआ था, जहां पे इस फिल्म को पूरी तरह से अगस्त 2021 में अन्नपूर्णा स्टूडियो में कंप्लीट करवाया हुआ था। अगस्त के लास्ट वीक में इस फिल्म को कंप्लीट करवाया था। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में विजुअल, ग्राफिक्स, इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था। कुछ टैलेंटेड आर्टिस्ट थे, जहाँ पे VFX के लिए कनाडा, हांगकॉन्ग, चाइना इस फिल्म को विजुअलाइजेशन राइट के लिए ले जाया गया था। और इस तरह से बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से VFX में भी कंप्लीट करवाया था। समंथा ने अपनी डबिंग पोर्शन को अप्रैल 2022 में कंप्लीट करवाया था। उन्होंने इस फिल्म के लिए तेलुगु, तमिल और हिंदी वर्जन में अपना डब वॉइस और खुद किया हुआ था। उसके बाद में जनवरी 2022 तक अल्लू आरा ने अपना डबिंग कंप्लीट किया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म का 3D फॉर्मेट कन्वर्ट करवाया गया था। 2023 में जनवरी महीने में इस फिल्म को 3D में कन्वर्ट करवा के कंप्लीट करवाया था। उसके बाद में सेंसर सर्टिफिकेशन लिया गया था। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से UA सर्टिफिकेट मिला हुआ था। फिल्म में टोटल 4 गाने थे जिसको मनीष शर्मा के पास कंपोज करवाया हुआ था। म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जो कंपोजिशन है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स के वो मनीष शर्मा ने की हुई थी। इसके अलावा 21 मिनट 36 सेकंड साउंड ट्रैक था। जहाँ पे इस फिल्म के ट्रैक लिस्ट की बात करें तो पहला गाना था मल्लिका मल्लिका, जिसके लिरिक्स चैतन्य प्रसाद ने लिखे हुए हैं। सिंगर रम्या बेहरा थी। वहीं पे रुसिवन लोना करके जो गाना था उसके लिरिक्स श्रीमनी ने लिखे हुए थे। चिन्मयी श्रीपाड़ा और सिद्ध श्री राम ने गाया हुआ था। यल्ले लो गाने को लिखा हुआ है चैतन्य प्रसाद ने, गाया हुआ है अनुराग कुलकर्णी ने। मधुरा गथम करके जो गाना है उसके लिरिक्स श्रीमनी ने लिखे हुए थे। सिंगर अरमान मलिक और श्रेया घोषाल थे। इसके अलावा हिंदी वर्जन में उन गानों को लिखा हुआ था प्रशांत इंगोले ने। लिरिक्स उनके थे सभी गानों के लिए। पहला गाना था मल्लिका मल्लिका, उसको रम्या बेहरा ने ही गाया हुआ था। ऋषि मुनिया का करके जो गाना था उसको चिन्मयी श्रीपाड़ा और नरेश आयर ने गाया हुआ था। यल्ले ले लो को जावेद अली ने गाया हुआ था। मधुरा कल तू, उसको अरमान मलिक और श्वेता मोहन ने गाया हुआ था। तो इस तरह से हिंदी व ट्रैक लिस्ट को भी तैयार किया हुआ था। फिलहाल में सभी वर्जन के जो गाने हैं वो टिप्स के अलग अलग जो यूट्यूब चैनल है तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी वर्जन के लिए वहाँ पर सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे। शाकुंतलम की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की कहानी और शाकुंतला के किरदार के ऊपर सेट की हुई है। और उसमें जो प्ले ओरिजिनली में जो घटा था जो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए हुए, जहाँ पे इस फिल्म में पूरी तरह से शाकुंतला और दुष्यंत की जो रिलेशनशिप है उसको एक एंगल के साथ प्रूव करने की कोशिश की हुई, वो सभी चीज़ें फिल्म में दिखाई हुई है। इसके अलावा इस फिल्म में समंथा ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है, जहाँ पे उनका स्क्रीन टाइम आपको सेकंड हाफ में कम नज़र आएगा। हाँ, लीड एक्ट्रेस है, मेन किरदार है, टाइटल उनके ऊपर ही है, तो भी उनका रोल सेकंड हाफ में कम है, लेकिन उसके बावजूद वो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल कर रही थी। इमोशनल सीन्स में समंथा ने अपना एक मकाम हासिल किया हुआ है फिल्म के साथ। उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म में जो किरदार है वो प्ले किया हुआ था अपना, उसमें उनका जो अलग अलग शेड्स देखने को मिलता है वो बढ़िया है। देव मोहन के साथ उनकी केमिस्ट्री बढ़िया नज़र आ रही थी। देव मोहन ने भी बखूबी अपना काम किया हुआ है, उनका भी करिश्मा, उनका लुक फिल्म में काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने अपना काम अप्रोच किया हुआ है किरदार के प्रति वो बढ़िया था। दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट जैसे कि मोहन बाबू है, अल्लू आरहा है, ये सभी उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। सभी एक्टर्स का काम बढ़िया था, सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। उसके बावजूद फिल्म को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया था वो थोड़ा डल नज़र आता है। डायरेक्टर थोड़ा बेहतर वे में इन सभी चीज़ों को दिखा सकते थे। स्क्रीन प्ले फिल्म का बेहतर हो सकता था। जो आइडिया था उसमें जो सिंप्लिसिटी स्टोरी में नज़र आती है उसको थोड़ा बेटर वे में हमारे सामने पेश किया जा सकता था। कहानी काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो जाती है। ड्रामा चीज़ों को काफ़ी मेजोरिटी वे में मिसिंग वेनर में दिखाया हुआ है। इसके अलावा जिस तरह से कैरेक्टर के साथ हमें कनेक्शन होना चाहिए वो महसूस नहीं होता है। इससे VFX और CGI भी काम भी काफ़ी ठीक ठाक नज़र आता है। इसके अलावा इस फिल्म को पहले बताया गया था 80 करोड़ में बनाए, बाद में 60 करोड़ में, पर जिस तरह का VFX जो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो कुछ खास नहीं है। 3D वर्जन कन्वर्ट तो किया था लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा इस फिल्म में काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें जिसको बेटर की जा सकती थी, लेकिन ओवरऑल बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट था, गाने डिसेंट थे, सिनेमेटोग्राफी डिसेंट नज़र आती है, एडिटिंग काफ़ी बेहतर हो सकती थी। फिल्म के कई सीन्स को चॉप अप किया जा सकता था। प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की बजट के हिसाब से जिस तरह जो चीज़ें देखने को मिलती है वो काफ़ी पुअर नज़र आती है। ओवरऑल ये एक ऐसी मैथकल ड्रामा फिल्म है जो हमें इम्प्रेस करने में फेल हो जाती है। इमोशनली इस फिल्म की चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ चीज़ों को दिखाया हुआ है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें फिल्म से मिसिंग नज़र आती है। ड्रामा जिस तरह से VFX पोर्शन है वो सभी चीज़ें जिस तरह से हैंडल किए हुए वो सभी चीज़ें बहुत ही इम्पैक्ट को रिड्यूस करती हुई नज़र आती है। तो ओवरऑल समंथा की ऑनेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, अदरवाइज़ फिल्म में ऐसा कुछ खास नहीं है। शाकुंतलम फिल्म को तेलुगु के साथ तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में 14 अप्रैल 2023 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। फिल्म को जब थिएटर में रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला, जिसके चलते IMDB के ऊपर इस फिल्म को 4.7 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से, जिसमें करीबन फिल्म को IMDB पे करीबन 700 वोट मिले हुए थे। तो एक बिलो एवरेज रेटिंग हासिल हुई थी फिल्म को। उसके बाद में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे भी कुछ उसी काइंड ऑफ कलेक्शन किया हुआ था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह से फेल साबित हुई थी। इस फिल्म ने जिस तरह से अपनी ओपनिंग ली हुई थी उससे अंदाज़ा लग गया था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी। आपको पहले मैं हिंदी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन की डिटेल दे देता हूँ। पहले दिन फिल्म ने 32 लाख का नेट कलेक्शन किया था, दूसरे दिन 29 लाख का, तीसरे दिन फिर से 32 लाख का नेट कलेक्शन करते हुए 93 लाख का इस फिल्म ने इंडिया में हिंदी वर्जन का वीकेंड कलेक्शन लिया हुआ था। नेट कलेक्शन 10 लाख का मंडे के दिन, 9 लाख का ट्यूसडे के दिन, वेडनेसडे के दिन फिर से 8 लाख का, थर्सडे के दिन 7 लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने एक वीक तक बहुत ही बुरी तरह से सर्वाइव किया हुआ था, जहाँ पे हिंदी वर्जन 1 करोड़ 27 लाख में ही सिमट गया था। तो हिंदी वर्जन फिल्म का नहीं चला, ठीक उसी तरह तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम कोई भी वर्जन नहीं चला, जिसके चलते समंता का जो स्टारडम था उस हिसाब से फिल्म डिसेंट वे में ओपनिंग ले सकती थी, लेकिन गुनाशेखर ने जिस तरह चीज़ों को पेश किया था वो पूरा एक वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट किया, जिसके चलते फिल्म वीकेंड में ही फ्लॉप हो गई। जहाँ पे इस फिल्म ने 65 करोड़ के बजट के सामने सिर्फ 20 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म एक बॉक्स ऑफिस बॉम्ब साबित हुई, अनसक्सेसफुल साबित हुई थी। जहाँ पे इस फिल्म के जो OTT राइट्स थे सभी वर्जन के वो Amazon प्राइम वीडियो वालों ने काफ़ी भारी रकम में खरीदे हुए थे। जहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया था 10 फरवरी 2023 को कि उनके पास इस फिल्म के ऑफिशियल राइट्स है हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा सभी वर्जन के लिए। और उसके बाद में उन्होंने 14 अप्रैल 2023 को इन सभी वर्जन को रिलीज़ करने का फैसला लिया था, लेकिन बाद में चीज़ें पोस्टपोन की गई और उसके बाद में Amazon प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को 11 मई 2023 को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया उनके OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में। तो गाइज अगर आपको फिलहाल में इस फिल्म को ऑफिशियली देखना है तो OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर तेलुगु मेन लैंग्वेज के साथ हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम इन सभी डब्ड वर्जन में ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शाकुंतलम फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम इन सभी वर्जन में, जहाँ पे तेलुगु मेन वर्जन है, बाकी सभी डब्ड वर्जन है। तो दोस्तों इस तरह से शाकुंतलम फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। शाकुंतलम जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक माइथोलॉजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को पैन इंडिया लेवल पे क्रिएट किया गया था, जहाँ पे फिल्म को तेलुगु वर्जन में बनाया हुआ था, वहीं पे तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी इन सभी वर्जन में फिल्म को डब करके थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था। शाकुंतलम एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म थी जिसको काफ़ी हाई बजट में बनाया हुआ था। करीबन बताया जा रहा था कि 60 से 70 करोड़ जितना इस फिल्म का बजट है, तो उस हिसाब से इस फिल्म में काम किया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म की जो जॉनर है माइथोलॉजिकल रोमांटिक ड्रामा, उसमें लिखावट की हुई है गुनाशेखर ने। फिल्म के डायलॉग साई माधव बुर्रा ने लिखे हुए। शाकुंतला जो कालिदास की बुक थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ था। स्क्रीन प्ले डायरेक्शन गुनाशेखर का था, वहीं पे प्रोड्यूस किया हुआ है नीलिमा गुना ने। और इस फिल्म को गुना टीम वर्क श्री वेंकटेश्वरा सिनेमा क्रिएशंस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 65 करोड़ में बनाया हुआ था। श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी दिल राजू प्रोड्यूसर किए। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूट इस फिल्म को फिल्म्स ने किया हुआ है, जिन्होंने हिंदी वर्जन फिल्म का रिलीज करवाया हुआ था। तेलुगु जो वर्जन था वो डिस्ट्रीब्यूट श्री वेंकटेश्वरा सिनेमा क्रिएशन जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने ही करवाया हुआ था। इस फिल्म के टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी शेखर वी जोसेफ ने की हुई है। फिल्म की एडिटिंग प्रवीण पुडी ने की हुई थी, जिन्होंने 142 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 22 मिनट की देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से UA सर्टिफिकेट मिला हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में मनीष शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए, जहाँ पे इस फिल्म में टोटल 4 गाने सभी वर्जन में, सभी गानों को का राइट्स है वो टिप्स वालों ने खरीदे हुए थे, टिप्स इंडस्ट्रीज़ ने। वहीं पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में समंथा रुथ प्रभु देखने को मिलेगी, जिन्होंने शकुंतला का रोल प्ले किया हुआ है। देव मोहन ने दुष्यंत का रोल प्ले किया हुआ है। सचिन खेडेकर ने कानवा महर्षि का रोल प्ले किया हुआ है। मोहन बाबू ने दुर्वासा महर्षि का रोल प्ले किया हुआ है। अदिति बालन को प्रिया वदा का रोल दिया गया था। अनन्या नागल्ला ने इस फिल्म में अनासोया का रोल प्ले किया हुआ है। प्रकाश राज ने सारंगी का रोल प्ले किया हुआ है। गौतमी ने गौतमी का रोल प्ले किया हुआ है। मधु ने मेनका का रोल प्ले किया हुआ है। कबीर बेदी को कश्यप महर्षि का रोल दिया गया था। जीसू सेन गुप्ता ने इंद्रदेव का रोल प्ले किया हुआ है। कबीर दुहान सिंह को किंग असुरा का रोल दिया गया था। अल्लू आरा जो अल्लू अर्जुन की बेटी है उन्होंने प्रिंस भारता के रोल में इस फिल्म के साथ अपने सिनेमा जगत में डेब्यू किया हुआ था। एक्ट्रेस के तौर पर, चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर वर्षिनी सौंदरराजन ने सानमुथी का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पर हरीश उथामन, सुब्बाराजू, आदर्श बालाकृष्णन, यश पुरी भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत 2017 में ही की गई थी, जहां पे पहले इस फिल्म के अलावा एक फिल्म बनने वाली थी। डायरेक्टर गुनाशेखर ने हिरण्यकश्यप फिल्म के ऊपर बातचीत की हुई थी। राणा दग्गू भट्टी उसमें लीड रोल में होने वाले, एक हिस्टोरिकल एपिक टेल होने वाली असुरा की और हिरण्यकश्यप के बीच की। बाद में अक्टूबर 2020 में अचानक डायरेक्टर ने बात की हुई थी कि प्री प्रोडक्शन है वो हिरण्यकश्यप का कंप्लीट हो चुका है। कोविड के दौरान चीज़ें चेंज हो गई और उसके बाद में उन्होंने कहा कि इस फिल्म की शूटिंग आने वाले समय में नहीं बनेगी, लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक और फिल्म बनाई हुई है कालिदासा के 4th सेंचुरी प्ले शाकुंतला के पर। तो उस फिल्म की कहानी को हम इसमें प्ले इस फिल्म में उनको इर्द गिर्द उनकी और दुष्यंत की जो लव स्टोरी है शाकुंतला की वो इस फिल्म में दिखाएंगे, जहां पे इस फिल्म में पहले उन्होंने अनुष्का शेट्टी को अप्रोच किया हुआ था इस रोल के लिए। इससे पहले उन्होंने रुद्रमादेवी के साथ उनके साथ काम किया हुआ था, वो फिल्म वैसे कुछ सक्सेसफुल नहीं साबित हो पाई थी। उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के लिए मलयालम एक्टर देव मोहन को अप्रोच किया हुआ था, दुष्यंत का रोल करने के लिए उनको एक किरदार पसंद आया था। एक्ट्रेस के तौर पर रिसाइबा को अप्रोच किया गया था कुछ इंपॉर्टेंट रोल के लिए, कैरेक्टर रोल के लिए, लेकिन उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं हुई थी। बाद में वो इस फिल्म में से आगे बढ़ चुकी थी। सेवरल रीजंस के चलते समंता को इस फिल्म में ऑफिशियली कास्ट किया गया था, लीड रोल दिया गया था, जहाँ पे देव मोहन के अपोजिट उनको कास्ट किया हुआ था। उसके बाद में अलग अलग एक्टर्स को इस फिल्म में कास्ट किया गया था। उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी। नॉर्थ का पूरा सेट तैयार किया हुआ था, हस्तिनापुर का, कश्मीर का, हिमालय का, तो वो सभी चीज़ें सेट बना के क्रिएट की हुई थी। सेट डिज़ाइन अशोक कोलारथ ने की हुई थी। उसके बाद में नीता लुल्ला जो एक नेशनल अवॉर्डी है, फैशन डिज़ाइनर है, उन्होंने इस फिल्म की कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की हुई थी। इससे पहले रुद्रमादेवी की कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी उन्होंने ही की हुई थी। फिल्म की शूटिंग को 15 मार्च 2021 से अन्नपूर्णा स्टूडियो से स्टार्ट किया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म को कोविड के चलते रोकना पड़ा था। वैसे फिल्म को हैदराबाद में अन्नपूर्णा स्टूडियो में बाद में वापस से स्टार्ट किया हुआ था, जहां पे इस फिल्म को पूरी तरह से अगस्त 2021 में अन्नपूर्णा स्टूडियो में कंप्लीट करवाया हुआ था। अगस्त के लास्ट वीक में इस फिल्म को कंप्लीट करवाया था। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में विजुअल, ग्राफिक्स, इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था। कुछ टैलेंटेड आर्टिस्ट थे, जहाँ पे VFX के लिए कनाडा, हांगकॉन्ग, चाइना इस फिल्म को विजुअलाइजेशन राइट के लिए ले जाया गया था। और इस तरह से बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से VFX में भी कंप्लीट करवाया था। समंथा ने अपनी डबिंग पोर्शन को अप्रैल 2022 में कंप्लीट करवाया था। उन्होंने इस फिल्म के लिए तेलुगु, तमिल और हिंदी वर्जन में अपना डब, वॉइस और खुद किया हुआ था। उसके बाद में जनवरी 2022 तक अल्लू आरा ने अपना डबिंग कंप्लीट किया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म का 3D फॉर्मेट कन्वर्ट करवाया गया था। 2023 में जनवरी महीने में इस फिल्म को 3D में कन्वर्ट करवा के कंप्लीट करवाया था। उसके बाद में सेंसर सर्टिफिकेशन लिया गया था। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से UA सर्टिफिकेट मिला हुआ था। फिल्म में टोटल 4 गाने थे, जिसको मनीष शर्मा के पास कंपोज करवाया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो कंपोजिशन है, बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स के, वो मनीष शर्मा ने की हुई थी। इसके अलावा 21 मिनट 36 सेकंड साउंड ट्रैक था, जहां पे इस फिल्म के ट्रैक लिस्ट की बात करें तो पहला गाना था मल्लिका मल्लिका, जिसके लिरिक्स चैतन्य प्रसाद ने लिखे हुए। सिंगर रम्या बेहरा थी। वहीं पे रुसिवन लोना करके जो गाना था, उसके लिरिक्स श्रीमनी ने लिखे हुए थे। चिन्मयी श्रीपाड़ा और सिद्ध श्रीराम ने गाया हुआ था। यल्ले लो गाने को लिखा हुआ है चैतन्य प्रसाद ने, गाया हुआ है अनुराग कुलकर्णी ने। मधुरा गथम करके जो गाना है, उसके लिरिक्स श्रीमनी ने लिखे हुए थे। सिंगर अरमान मलिक और श्रेया घोषाल थे। इसके अलावा हिंदी वर्जन में उन गानों को लिखा हुआ था प्रशांत इंगोले ने। लिरिक्स उनके थे सभी गानों के लिए। पहला गाना था मल्लिका मल्लिका, उसको रम्या बेहरा ने ही गाया हुआ था। ऋषि मुनिया का करके जो गाना था, उसको चिन्मयी श्रीपाड़ा और नरेश आयर ने गाया हुआ था। यल्ले ले लो को जावेद अली ने गाया हुआ था। मधुरा कल तू, उसको अरमान मलिक और श्वेता मोहन ने गाया हुआ था। तो इस तरह से हिंदी व ट्रैक लिस्ट को भी तैयार किया हुआ था। फिलहाल में सभी वर्जन के जो गाने हैं, वो टिप्स के अलग अलग जो यूट्यूब चैनल है, तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी वर्जन के लिए, वहाँ पे सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे। शाकुंतलम की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की कहानी और शाकुंतला के किरदार के ऊपर सेट की हुई है, और उसमें जो प्ले ओरिजिनली में जो घटा था, जो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए हुए, जहाँ पे इस फिल्म में पूरी तरह से शाकुंतला और दुष्यंत की जो रिलेशनशिप है, उसको एक एंगल के साथ प्रूव करने की कोशिश की हुई, वो सभी चीज़ें फिल्म में दिखाई हुई है। इसके अलावा इस फिल्म में समंथा ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है, जहाँ पे उनका स्क्रीन टाइम आपको सेकंड हाफ में कम नजर आएगा। हाँ, लीड एक्ट्रेस है, मेन किरदार है, टाइटल उनके ऊपर ही है, तो भी उनका रोल सेकंड हाफ में कम है, लेकिन उसके बावजूद वो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल कर रही थी। इमोशनल सीन्स में समंथा ने अपना एक मकाम हासिल किया हुआ है फिल्म के साथ। उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म में जो किरदार है वो प्ले किया हुआ था अपना। उसमें उनका जो अलग अलग शेड्स देखने को मिलता है वो बढ़िया है। देव मोहन के साथ उनकी केमिस्ट्री बढ़िया नज़र आ रही थी। देव मोहन ने भी बखूबी अपना काम किया हुआ है। उनका भी करिश्मा, उनका लुक फिल्म में काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने अपना काम अप्रोच किया हुआ है किरदार के प्रति, वो बढ़िया था। दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट जैसे कि मोहन बाबू है, अल्लू आरहा है, ये सभी उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। सभी एक्टर्स का काम बढ़िया था, सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। उसके बावजूद फिल्म को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया था, वो थोड़ा डल नज़र आता है। डायरेक्टर थोड़ा बेहतर वे में इन सभी चीज़ों को दिखा सकते थे। स्क्रीन प्ले फिल्म का बेहतर हो सकता था। जो आइडिया था उसमें जो सिंप्लिसिटी स्टोरी में नज़र आती है, उसको थोड़ा बेटर वे में हमारे सामने पेश किया जा सकता था। कहानी काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो जाती है। ड्रामा चीज़ों को काफ़ी मेजोरिटी वे में मिसिंग वेनर में दिखाया हुआ है। इसके अलावा जिस तरह से कैरेक्टर के साथ हमें कनेक्शन होना चाहिए वो महसूस नहीं होता है। इसके VFX और CGI भी काम भी काफ़ी ठीक ठाक नज़र आता है। इसके अलावा इस फिल्म को पहले बताया गया था 80 करोड़ में बनाए, बाद में 60 करोड़ में, पर जिस तरह का VFX जो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो कुछ खास नहीं है। 3D वर्जन कन्वर्ट तो किया था लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा इस फिल्म में काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें जिसको बेटर की जा सकती थी, लेकिन ओवरऑल बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट था, गाने डिसेंट थे, सिनेमेटोग्राफी डिसेंट नज़र आती है, एडिटिंग काफ़ी बेहतर हो सकती थी, फिल्म के कई सीन्स को चॉप अप किया जा सकता था। प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की बजट के हिसाब से जिस तरह जो चीज़ें देखने को मिलती है वो काफ़ी पुअर नज़र आती है। ओवरऑल ये एक ऐसी मैथकल ड्रामा फिल्म है जो हमें इम्प्रेस करने में फेल हो जाती है। इमोशनली इस फिल्म की चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ चीज़ों को दिखाया हुआ है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें फिल्म से मिसिंग नज़र आती है। ड्रामा जिस तरह से VFX पोर्शन है वो सभी चीज़ें जिस तरह से हैंडल किए हुए वो सभी चीज़ें बहुत ही इम्पैक्ट को रिड्यूस करती हुई नज़र आती है। तो ओवरऑल समंथा की ऑनेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, अदरवाइज फिल्म में ऐसा कुछ खास नहीं है। शाकुंतलम फिल्म को तेलुगु के साथ तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में 14 अप्रैल 2023 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। फिल्म को जब थिएटर में रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला, जिसके चलते IMDB के ऊपर इस फिल्म को 4.7 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से, जिसमें करीबन फिल्म को IMDB पे करीबन 700 वोट मिले हुए थे। तो एक बिलो एवरेज रेटिंग हासिल हुई थी फिल्म को। उसके बाद में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे भी कुछ उसी काइंड ऑफ कलेक्शन किया हुआ था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे पूरी तरह से फेल साबित हुई थी। इस फिल्म ने जिस तरह से अपनी ओपनिंग ली हुई थी उससे ये अंदाज़ा लग गया था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी। आपको पहले मैं हिंदी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन की डिटेल दे देता हूँ। पहले दिन फिल्म ने 32 लाख का नेट कलेक्शन किया था, दूसरे दिन 29 लाख का, तीसरे दिन फिर से 32 लाख का नेट कलेक्शन करते हुए 93 लाख का इस फिल्म ने इंडिया में हिंदी वर्जन का वीकेंड कलेक्शन लिया हुआ था। नेट कलेक्शन 10 लाख का मंडे के दिन, 9 लाख का ट्यूसडे के दिन, वेडनेसडे के दिन फिर से 8 लाख का, थर्सडे के दिन 7 लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने एक वीक तक बहुत ही बुरी तरह से सर्वाइव किया हुआ था, जहाँ पे हिंदी वर्जन 1 करोड़ 27 लाख में ही सिमट गया था। तो हिंदी वर्जन फिल्म का नहीं चला, ठीक उसी तरह तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम कोई भी वर्जन नहीं चला, जिसके चलते समंता का जो स्टारडम था उस हिसाब से फिल्म डिसेंट वे में ओपनिंग ले सकती थी, लेकिन गुनाशेखर ने जिस तरह चीज़ों को पेश किया था वो पूरा एक वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट किया, जिसके चलते फिल्म वीकेंड में ही फ्लॉप हो गई। जहाँ पे इस फिल्म ने 65 करोड़ के बजट के सामने सिर्फ 20 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म एक बॉक्स ऑफिस बॉम्ब साबित हुई, अनसक्सेसफुल साबित हुई थी। जहाँ पे इस फिल्म के जो OTT राइट्स थे सभी वर्जन के वो Amazon प्राइम वीडियो वालों ने काफ़ी भारी रकम में खरीदे हुए थे, जहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया था 10 फरवरी 2023 को कि उनके पास इस फिल्म के ऑफिशियल राइट्स है हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा सभी वर्जन के लिए। और उसके बाद में उन्होंने 14 अप्रैल 2023 को इन सभी वर्जन को रिलीज़ करने का फैसला लिया था, लेकिन बाद में चीज़ें पोस्टपोन की गई और उसके बाद में Amazon प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को 11 मई 2023 को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया उनके OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में। तो गाइज़, अगर आपको फ़िलहाल में इस फिल्म को ऑफिशियली देखना है तो OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर तेलुगु मेन लैंग्वेज के साथ हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम इन सभी डब्ड वर्जन में ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शाकुंतलम फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम इन सभी वर्जन में, जहाँ पे तेलुगु मेन वर्जन है, बाकी सभी डब्ड वर्जन है। तो दोस्तों, इस तरह से शाकुंतलम फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। शाकुंतलम जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक माइथोलॉजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को पैन इंडिया लेवल पे क्रिएट किया गया था, जहाँ पे फिल्म को तेलुगु वर्जन में बनाया हुआ था, वहीं पे तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी इन सभी वर्जन में फिल्म को डब करके थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था। शाकुंतलम एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म थी जिसको काफ़ी हाई बजट में बनाया हुआ था। करीबन बताया जा रहा था कि 60 से 70 करोड़ जितना इस फिल्म का बजट है, तो उस हिसाब से इस फिल्म में काम किया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म की जो जॉनर है माइथोलॉजिकल रोमांटिक ड्रामा उसमें लिखावट की हुई है गुणाशेखर ने। फिल्म के डायलॉग साई माधव बुर्रा ने लिखे हुए। शाकुंतला जो कालिदास की बुक थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ था। स्क्रीन प्ले डायरेक्शन गुणाशेखर का था, वहीं पे प्रोड्यूस किया हुआ है नीलिमा गुना ने। और इस फिल्म को गुना टीम वर्क्स श्री वेंकटेश्वरा सिनेमा क्रिएशंस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 65 करोड़ में बनाया हुआ था। श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी दिल राजू प्रोड्यूसर किए। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूट इस फिल्म को ए फिल्म्स ने किया हुआ है, जिन्होंने हिंदी वर्जन फिल्म का रिलीज करवाया हुआ था। तेलुगु जो वर्जन था वो डिस्ट्रीब्यूट श्री वेंकटेश्वरा सिनेमा क्रिएशन जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने ही करवाया हुआ था। इस फिल्म के टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी शेखर वी जोसेफ ने की हुई है। फिल्म की एडिटिंग प्रवीण पुडी ने की हुई थी, जिन्होंने 142 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 22 मिनट की देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में मनीष शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए, जहाँ पर इस फिल्म में टोटल 4 गाने सभी वर्जन में, सभी गानों को का राइट्स है वो टिप्स वालों ने खरीदे हुए थे, टिप्स इंडस्ट्रीज़ ने। वहीं पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में समंथा रुथ प्रभु देखने को मिलेगी, जिन्होंने शकुंतला का रोल प्ले किया हुआ है। देव मोहन ने दुष्यंत का रोल प्ले किया हुआ है। सचिन खेडेकर ने कानवा महर्षि का रोल प्ले किया हुआ है। मोहन बाबू ने दुर्वासा महर्षि का रोल प्ले किया हुआ है। अदिति बालन को प्रिया वदा का रोल दिया गया था। अनन्या नागल्ला ने इस फिल्म में अनासोया का रोल प्ले किया हुआ है। प्रकाश राज ने सारंगी का रोल प्ले किया हुआ है। गौतमी ने गौतमी का रोल प्ले किया हुआ है। मधु ने मेनका का रोल प्ले किया हुआ है। कबीर बेदी को कश्यप महर्षि का रोल दिया गया था। जीसू सेन गुप्ता ने इंद्रदेव का रोल प्ले किया हुआ है। कबीर दुहान सिंह को किंग असुरा का रोल दिया गया था। अल्लू आरा जो अल्लू अर्जुन की बेटी है उन्होंने प्रिंस भरता के रोल में इस फिल्म के साथ अपने सिनेमा जगत में डेब्यू किया हुआ था। एक्ट्रेस के तौर पर, चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर वर्षिनी सौंदरराजन ने सन्मुथी का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पर हरीश उथामन, सुब्बाराजू, आदर्श बालाकृष्णन, यश पुरी भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे। तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत 2017 में ही की गई थी, जहां पे पहले इस फिल्म के अलावा एक फिल्म बनने वाली थी। डायरेक्टर गुणाशेखर ने हिरण्यकश्यप फिल्म के ऊपर बातचीत की हुई थी। राणा दग्गू भट्टी उसमें लीड रोल में होने वाले, एक हिस्टोरिकल एपिक टेल होने वाली असुरा की और हिरण्यकश्यप के बीच की। बाद में अक्टूबर 2020 में अचानक डायरेक्टर ने बात की हुई थी कि प्री प्रोडक्शन है वो हिरण्यकश्यप का कंप्लीट हो चुका है। कोविड के दौरान चीज़ें चेंज हो गई और उसके बाद में उन्होंने कहा कि इस फिल्म की शूटिंग आने वाले समय में नहीं बनेगी, लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक और फिल्म बनाई हुई है कालिदासा के 4th century प्ले शाकुंतला के ऊपर। तो उस फिल्म की कहानी को हम इसमें प्ले कर, इस फिल्म में उनको इर्द गिर्द उनकी और दुष्यंत की जो लव स्टोरी है शाकुंतला की वो इस फिल्म में दिखाएंगे, जहाँ पे इस फिल्म में पहले उन्होंने अनुष्का शेट्टी को अप्रोच किया हुआ था इस रोल के लिए। इससे पहले उन्होंने रुद्रमादेवी के साथ काम किया हुआ था, वो फिल्म वैसे कुछ सक्सेसफुल नहीं साबित हो पाई थी। उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के लिए मलयालम एक्टर देव मोहन को अप्रोच किया हुआ था दुष्यंत का रोल करने के लिए, उनको एक किरदार पसंद आया था। एक्ट्रेस के तौर पर रिसाइबा को अप्रोच किया गया था कुछ इंपॉर्टेंट रोल के लिए, कैरेक्टर रोल के लिए, लेकिन उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं हुई थी। बाद में वो इस फिल्म में से आगे बढ़ चुकी थी सेवरल रीजंस के चलते। समंता को इस फिल्म में ऑफिशियली कास्ट किया गया था, लीड रोल दिया गया था, जहाँ पे देव मोहन के अपोजिट उनको कास्ट किया हुआ था। उसके बाद में अलग अलग एक्टर्स को इस फिल्म में कास्ट किया गया था। उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी। नॉर्थ का पूरा सेट तैयार किया हुआ था, हस्तिनापुर का, कश्मीर का, हिमालय इसका, तो वो सभी चीज़ें सेट बना के क्रिएट की हुई थी। सेट डिज़ाइन अशोक कोलारथ ने की हुई थी। उसके बाद में नीता लुल्ला जो एक नेशनल अवॉर्डी है, फैशन डिज़ाइनर है, उन्होंने इस फिल्म की कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की हुई थी। इससे पहले रुद्रमादेवी की कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी उन्होंने ही की हुई थी। फिल्म की शूटिंग को 15 मार्च 2021 से अन्नपूर्णा स्टूडियो से स्टार्ट किया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म को कोविड के चलते रोकना पड़ा था। वैसे फिल्म को हैदराबाद में अन्नपूर्णा स्टूडियो में बाद में वापस से स्टार्ट किया हुआ था, जहां पे इस फिल्म को पूरी तरह से अगस्त 2021 में अन्नपूर्णा स्टूडियो में कंप्लीट करवाया हुआ था। अगस्त के लास्ट वीक में इस फिल्म को कंप्लीट करवाया था। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में विजुअल, ग्राफिक्स, इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था। कुछ टैलेंटेड आर्टिस्ट थे, जहाँ पे VFX के लिए कनाडा, हांगकॉन्ग, चाइना इस फिल्म को विजुअलाइजेशन राइट के लिए ले जाया गया था। और और इस तरह से बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से वीएफएक्स में भी कंप्लीट करवाया था। समंथा ने अपनी डबिंग पोर्शन को अप्रैल 2022 में कंप्लीट करवाया था। उन्होंने इस फिल्म के लिए तेलुगु, तमिल और हिंदी वर्जन में अपना डब वॉइस और खुद किया हुआ था। उसके बाद में जनवरी 2022 तक अल्लू आरा ने अपना डबिंग कंप्लीट किया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म का 3D फॉर्मेट कन्वर्ट करवाया गया था। 2023 में जनवरी महीने में इस फिल्म को 3D में कन्वर्ट करवा के कंप्लीट करवाया था। उसके बाद में सेंसर सर्टिफिकेशन लिया गया था। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। फिल्म में टोटल 4 गाने थे जिसको मनीष शर्मा के पास कंपोज करवाया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो कंपोजिशन है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स की वो मनीष शर्मा ने की हुई थी। शाकुंतलम जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक माइथोलॉजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को पैन इंडिया लेवल पे क्रिएट किया गया था, जहाँ पे फिल्म को तेलुगु वर्जन में बनाया हुआ था। वहीं पे तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी इन सभी वर्जन में फिल्म को डब करके थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था। शाकुंतलम एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म थी जिसको काफ़ी हाई बजट में बनाया हुआ था। करीबन बताया जा रहा था कि 60 से 70 करोड़ जितना इस फिल्म का बजट है, तो उस हिसाब से इस फिल्म में काम किया हुआ था। जहाँ पे इस फिल्म की जो जॉनर है माइथोलॉजिकल रोमांटिक ड्रामा, उसमें लिखावट की हुई है गुनाशेखर ने। फिल्म के डायलॉग साई माधव बुर्रा ने लिखे हुए। शाकुंतला जो कालिदास की बुक थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ था। स्क्रीन प्ले डायरेक्शन गुनाशेखर का था। वहीं पे प्रोड्यूस किया हुआ है नीलिमा गुना ने। और इस फिल्म को गुना टीम वर्क्स श्री वेंकटेश्वरा सिनेमा क्रिएशंस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 65 करोड़ में बनाया हुआ था। श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी दिल राजू प्रोड्यूसर किए। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूट इस फिल्म को फिल्म्स ने किया हुआ है, जिन्होंने हिंदी वर्जन फिल्म का रिलीज करवाया हुआ था। तेलुगु जो वर्जन था वो डिस्ट्रीब्यूट श्री वेंकटेश्वरा सिनेमा क्रिएशन जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने करवाया हुआ था। इस फिल्म के टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी शेखर वी जोसेफ ने की हुई है। फिल्म की एडिटिंग प्रवीण पुडी ने की हुई थी, जिन्होंने 142 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 22 मिनट की देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में मनीष शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए, जहाँ पे इस फिल्म में टोटल 4 गाने सभी वर्जन में, सभी गानों को का राइट्स है वो टिप्स वालों ने खरीदे हुए थे, टिप्स इंडस्ट्रीज़ ने। वहीं पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में समंथा रूथ प्रभु देखने को मिलेगी, जिन्होंने शकुंतला का रोल प्ले किया हुआ है। देव मोहन ने दुष्यंत का रोल प्ले किया हुआ है। सचिन खेडेकर ने कानवा महर्षि का रोल प्ले किया हुआ है। मोहन बाबू ने दुर्वासा महर्षि का रोल प्ले किया हुआ है। अदिति बालन को प्रिया वदा का रोल दिया गया था। अनन्या नागल्ला ने इस फिल्म में अनासोया का रोल प्ले किया हुआ है। प्रकाश राज ने सारंगी का रोल प्ले किया हुआ है। गौतमी ने गौतमी का रोल प्ले किया हुआ है। मधु ने मेनका का रोल प्ले किया हुआ है। कबीर बेदी को कश्यप महर्षि का रोल दिया गया था। जिसु सेन गुप्ता ने इंद्रदेव का रोल प्ले किया हुआ है। कबीर दुहान सिंह को किंग असुरा का रोल दिया गया था। अल्लू आरा जो अल्लू अर्जुन की बेटी है उन्होंने प्रिंस भारता के रोल में इस फिल्म के साथ अपने सिनेमा जगत में डेब्यू किया हुआ था। एक्ट्रेस के तौर पर, चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर वर्षिनी सौंदरराजन ने सन्मुथी का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पर हरीश उथामन, सुब्बाराजू, आदर्श बालाकृष्णन, यश पुरी भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे। तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत 2017 में ही की गई थी, जहां पे पहले इस फिल्म के अलावा एक फिल्म बनने वाली थी। डायरेक्टर गुनाशेखर ने हिरण्यकश्यप फिल्म के ऊपर बातचीत की हुई थी। राणा दग्गू भट्टी उसमें लीड रोल में होने वाले, एक हिस्टोरिकल एपिक टेल होने वाली असुरा की और हिरण्यकश्यप के बीच की। बाद में अक्टूबर 2020 में अचानक डायरेक्टर ने बात की हुई थी कि प्री प्रोडक्शन है वो हिरण्यकश्यप का कंप्लीट हो चुका है। कोविड के दौरान चीज़ें चेंज हो गई और उसके बाद में उन्होंने कहा कि इस फिल्म की शूटिंग आने वाले समय में नहीं बनेगी। लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक और फिल्म बनाई हुई है कालिदासा के 4th सेंचुरी प्ले शाकुंतला के ऊपर। तो उस फिल्म की कहानी को हम इसमें इस फिल्म में उनको इर्द गिर्द उनकी और दुष्यंत की जो लव स्टोरी है शाकुंतला की वो इस फिल्म में दिखाएंगे। जहाँ पे इस फिल्म में पहले उन्होंने अनुष्का शेट्टी को अप्रोच किया हुआ था इस रोल के लिए। इससे पहले उन्होंने रुद्रमादेवी के साथ काम किया हुआ था। वो फिल्म वैसे कुछ सक्सेसफुल नहीं साबित हो पाई थी। उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के लिए तेलुगु मलयालम एक्टर देव मोहन को अप्रोच किया हुआ था दुष्यंत का रोल करने के लिए, उनको एक किरदार पसंद आया था। एक्ट्रेस के तौर पर रिसाइबा को अप्रोच किया गया था कुछ इम्पोर्टेंट रोल के लिए, कैरेक्टर रोल के लिए, लेकिन उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं हुई थी। बाद में वो इस फिल्म में से आगे बढ़ चुकी थी सेवरल रीजंस के चलते। समंता को इस फिल्म में ऑफिशियली कास्ट किया गया था, लीड रोल दिया गया था, जहाँ पे देव मोहन के अपोजिट उनको कास्ट किया हुआ था। उसके बाद में अलग अलग एक्टर्स को इस फिल्म में कास्ट किया गया था। उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी। नॉर्थ का पूरा सेट तैयार किया हुआ था, हस्तिनापुर का, कश्मीर का, हिमालय का, तो वो सभी चीज़ें सेट बना के क्रिएट की हुई थी। सेट डिज़ाइन अशोक कोलारथ ने की हुई थी। उसके बाद में नीता लुल्ला जो एक नेशनल अवॉर्डी है, फैशन डिज़ाइनर है, उन्होंने इस फिल्म की कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की हुई थी। इससे पहले रुद्रमादेवी की कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी उन्होंने ही की हुई थी। फिल्म की शूटिंग को 15 मार्च 2021 से अन्नपूर्णा स्टूडियो से स्टार्ट किया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म को कोविड के चलते रोकना पड़ा था। वैसे फिल्म को हैदराबाद में अन्नपूर्णा स्टूडियो में बाद में वापस से स्टार्ट किया हुआ था, जहां पे इस फिल्म को पूरी तरह से अगस्त 2021 में अन्नपूर्णा स्टूडियो में कंप्लीट करवाया हुआ था। अगस्त के लास्ट वीक में इस फिल्म को कंप्लीट करवाया था। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में विजुअल, ग्राफिक्स, इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था। कुछ टैलेंटेड आर्टिस्ट थे, जहाँ पे VFX के लिए कनाडा, हांगकॉन्ग, चाइना इस फिल्म को विजुअलाइजेशन राइट के लिए ले जाया गया था। और इस तरह से बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से VFX में भी कंप्लीट करवाया था। समंथा ने अपनी डबिंग पोर्शन को अप्रैल 2022 में कंप्लीट करवाया था। उन्होंने इस फिल्म के लिए तेलुगु, तमिल और हिंदी वर्जन में अपना डब वॉइस और खुद किया हुआ था। उसके बाद में जनवरी 2022 तक अल्लू आहरा ने अपना डबिंग कंप्लीट किया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म का 3D फॉर्मेट कन्वर्ट करवाया गया था। 2023 में जनवरी महीने में इस फिल्म को 3D में कन्वर्ट करवा के कंप्लीट करवाया था। उसके बाद में सेंसर सर्टिफिकेशन लिया गया था। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से UA सर्टिफिकेट मिला हुआ था। फिल्म में टोटल 4 गाने थे, जिसको मनीष शर्मा के पास कंपोज करवाया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो कंपोजिशन है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स के, वो मनीष शर्मा ने की हुई थी। इसके अलावा 21 मिनट 36 सेकंड के साउंड ट्रैक था, जहां पे इस फिल्म के ट्रैक लिस्ट की बात करें तो पहला गाना था मल्लिका मल्लिका, जिसके लिरिक्स चैतन्य प्रसाद ने लिखे हुए हैं। सिंगर रम्या बेहरा थी। वहीं पे रुसिवन लोना करके जो गाना था, उसके लिरिक्स श्रीमनी ने लिखे हुए थे। चिन्मयी श्रीपाड़ा और सिद्ध श्रीराम ने गाया हुआ था। यल्ले लो गाने को लिखा हुआ है चैतन्य प्रसाद ने, गाया हुआ है अनुराग कुलकर्णी ने। मधुरा गथम करके जो गाना है, उसके लिरिक्स श्रीमनी ने लिखे हुए थे। सिंगर अरमान मलिक और श्रेया घोषाल थे। इसके अलावा हिंदी वर्जन में उन गानों को लिखा हुआ था प्रशांत इंगोले ने। लिरिक्स उनके थे सभी गानों के लिए। पहला गाना था मल्लिका मल्लिका, उसको रम्या बेहरा ने ही गाया हुआ था। ऋषि मुनिया का करके जो गाना था, उसको चिन्मयी श्रीपाड़ा और नरेश आयर ने गाया हुआ था। यल्ले ले लो को जावेद अली ने गाया हुआ था। मधुरा कल तू, उसको अरमान मलिक और श्वेता मोहन ने गाया हुआ था। तो इस तरह से हिंदी व ट्रैक लिस्ट को भी तैयार किया हुआ था। फिलहाल में सभी वर्जन के जो गाने हैं, वो टिप्स के अलग अलग जो यूट्यूब चैनल है तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी वर्जन के लिए, वहाँ पे सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे। शाकुंतलम की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की कहानी और शाकुंतला के किरदार के ऊपर सेट की हुई है, और उसमें जो प्ले ओरिजिनली में जो घटा था, जो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए हुए, जहाँ पे इस फिल्म में पूरी तरह से शाकुंतला और दुष्यंत की जो रिलेशनशिप है, उसको एक एंगल के साथ प्रूव करने की कोशिश की हुई, वो सभी चीज़ें फिल्म में दिखाई हुई है। इसके अलावा इस फिल्म में समंथा ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है, जहाँ पे उनका स्क्रीन टाइम आपको सेकंड हाफ में कम नजर आएगा। हाँ, लीड एक्ट्रेस है, मेन किरदार है, टाइटल उनके ऊपर ही है, तो भी उनका रोल सेकंड हाफ में कम है, लेकिन उसके बावजूद वो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल कर रही थी। इमोशनल सीन्स में समंथा ने अपना एक मकाम हासिल किया हुआ है फिल्म के साथ। उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म में जो किरदार है वो प्ले किया हुआ था अपना, उसमें उनका जो अलग अलग शेड्स देखने को मिलता है वो बढ़िया है। देव मोहन के साथ उनकी केमिस्ट्री बढ़िया नज़र आ रही थी। देव मोहन ने भी बखूबी अपना काम किया हुआ है, उनका भी करिश्मा, उनका लुक फिल्म में काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने अपना काम अप्रोच किया हुआ है किरदार के प्रति, वो बढ़िया था। दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट जैसे कि मोहन बाबू है, अल्लू आरहा है, ये सभी है, उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। सभी एक्टर्स का काम बढ़िया था, सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। उसके बावजूद फिल्म को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया था, वो थोड़ा डल नज़र आता है। डायरेक्टर थोड़ा बेहतर वे में इन सभी चीज़ों को दिखा सकते थे। स्क्रीन प्ले फिल्म का बेहतर हो सकता था। जो आइडिया था उसमें जो सिंप्लिसिटी स्टोरी में नज़र आते, उसको थोड़ा बेटर वे में हमारे सामने पेश किया जा सकता था। कहानी काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो जाती है। ड्रामा चीज़ों को काफ़ी मेजोरिटी वे में मिसिंग वेनर में दिखाया हुआ है। इसके अलावा जिस तरह से कैरेक्टर के साथ हमें कनेक्शन होना चाहिए वो महसूस नहीं होता है। इसके VFX और CGI भी काम भी काफ़ी ठीक ठाक नज़र आता है। इसके अलावा इस फिल्म को पहले बताया गया था 80 करोड़ में बनाए, बाद में 60 करोड़ में, पर जिस तरह का VFX जो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो कुछ खास नहीं है। 3D वर्जन कन्वर्ट तो किया था लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा इस फिल्म में काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें जिसको बेटर की जा सकती थी, लेकिन ओवरऑल बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट था, गाने डिसेंट थे, सिनेमेटोग्राफी डिसेंट नज़र आती है, एडिटिंग काफ़ी बेहतर हो सकती थी, फिल्म के कई सीन्स को चॉपअप किया जा सकता था। प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की बजट के हिसाब से जिस तरह जो चीज़ें देखने को मिलती है वो काफ़ी पुअर नज़र आती है। ओवरऑल ये एक ऐसी मैथकल ड्रामा फिल्म है जो हमें इम्प्रेस करने में फेल हो जाती है। इमोशनली इस फिल्म की चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ चीज़ों को दिखाया हुआ है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें फिल्म से मिसिंग नज़र आती है। ड्रामा जिस तरह से VFX पोर्शन है वो सभी चीज़ें जिस तरह से हैंडल किए हुए वो सभी चीज़ें बहुत ही इम्पैक्ट को रिड्यूस करती हुई नज़र आती है। तो ओवरऑल समंथा की ऑनेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, अदरवाइज फिल्म में ऐसा कुछ खास नहीं है। शाकुंतलम फिल्म को तेलुगु के साथ तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में 14 अप्रैल 2023 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। फिल्म को जब थिएटर में रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला, जिसके चलते IMDB के ऊपर इस फिल्म को 4.7 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से, जिसमें करीबन फिल्म को IMDB पे करीबन 700 वोट मिले हुए थे, तो एक बिलो एवरेज रेटिंग हासिल हुई थी फिल्म को। उसके बाद में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे भी कुछ उसी काइंड ऑफ कलेक्शन किया हुआ था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह से फेल साबित हुई थी। इस फिल्म ने जिस तरह से अपनी ओपनिंग ली हुई थी उससे अंदाज़ा लग गया था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी। आपको पहले मैं हिंदी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन की डिटेल दे देता हूँ। पहले दिन फिल्म ने 32 लाख का नेट कलेक्शन किया था, दूसरे दिन 29 लाख का, तीसरे दिन फिर से 32 लाख का नेट कलेक्शन करते हुए 93 लाख का इस फिल्म ने इंडिया में हिंदी वर्जन का वीकेंड कलेक्शन लिया हुआ था। नेट कलेक्शन 10 लाख का मंडे के दिन, 9 लाख का ट्यूसडे के दिन, वेडनेसडे के दिन फिर से 8 लाख का, थर्सडे के दिन 7 लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने एक वीक तक बहुत ही बुरी तरह से सर्वाइव किया हुआ था, जहाँ पे हिंदी वर्जन 1 करोड़ 27 लाख में ही सिमट गया था। तो हिंदी वर्जन फिल्म का नहीं चला, ठीक उसी तरह तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम कोई भी वर्जन नहीं चला, जिसके चलते समंथा का जो स्टारडम था उस हिसाब से फिल्म डिसेंट वे में ओपनिंग ले सकती थी, लेकिन गुणाशेखर ने जिस चीज़ों को पेश किया होता वो पूरा एक वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट किया, जिसके चलते फिल्म वीकेंड में ही फ्लॉप हो गई। जहाँ पे इस फिल्म ने 65 करोड़ के बजट के सामने सिर्फ 20 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म एक बॉक्स ऑफिस बॉम्ब साबित हुई, अनसक्सेसफुल साबित हुई थी। जहाँ पे इस फिल्म के जो OTT राइट्स थे सभी वर्जन के वो Amazon प्राइम वीडियो वालों ने काफ़ी भारी रकम में खरीदे हुए थे, जहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया था 10 फरवरी 2023 को कि उनके पास इस फिल्म के ऑफिशियल राइट्स है हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा सभी वर्जन के लिए। और उसके बाद में उन्होंने 14 अप्रैल 2023 को इन सभी वर्जन को रिलीज़ करने का फैसला लिया था, लेकिन बाद में चीज़ें पोस्टपोन की गई और उसके बाद में Amazon प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को 11 मई 2023 को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया उनके OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में। तो गाइज़ अगर आपको फ़िलहाल में इस फिल्म को ऑफिशियली देखना है तो OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर तेलुगु मेन लैंग्वेज के साथ हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम इन सभी डब्ड वर्जन में ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शाकुंतलम फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम इन सभी वर्जन में, जहाँ पे तेलुगु मेन वर्जन है, बाकी सभी डब्ड वर्जन है। तो दोस्तों इस तरह से शाकुंतलम फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। शाकुंतलम जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक माइथोलॉजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को पैन इंडिया लेवल पे क्रिएट किया गया था, जहाँ पे फिल्म को तेलुगु वर्जन में बनाया हुआ था, वहीं पे तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी इन सभी वर्जन में फिल्म को डब करके थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था। शाकुंतलम एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म थी जिसको काफ़ी हाई बजट में बनाया हुआ था। करीबन बताया जा रहा था कि 60 से 70 करोड़ जितना इस फिल्म का बजट है, तो उस हिसाब से इस फिल्म में काम किया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म की जो जॉनर है माइथोलॉजिकल रोमांटिक ड्रामा उसमें लिखावट की हुई है गुणाशेखर ने। फिल्म के डायलॉग साई माधव बुर्रा ने लिखे हुए। शाकुंतला जो कालिदास की बुक थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ था। स्क्रीन प्ले डायरेक्शन गुणाशेखर का था, वहीं पे प्रोड्यूस किया हुआ है नीलिमा गुना ने। और इस फिल्म को गुना टीम वर्क्स श्री वेंकटेश्वरा सिनेमा क्रिएशंस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 65 करोड़ में बनाया हुआ था। श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी दिल राजू प्रोड्यूसर किए। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूट इस फिल्म को ए फिल्म्स ने किया हुआ है, जिन्होंने हिंदी वर्जन फिल्म का रिलीज करवाया हुआ था। तेलुगु जो वर्जन था वो डिस्ट्रीब्यूट श्री वेंकटेश्वरा सिनेमा क्रिएशन जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने ही करवाया हुआ था। इस फिल्म के टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी शेखर वी जोसेफ ने की हुई है। फिल्म की एडिटिंग प्रवीण पुडी ने की हुई थी, जिन्होंने 142 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 22 मिनट की देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में मनीष शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए, जहाँ पे इस फिल्म में टोटल 4 गाने सभी वर्जन में, सभी गानों को का राइट्स है वो टिप्स वालों ने खरीदे हुए थे, टिप्स इंडस्ट्रीज ने। वहीं पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में समंथा रुथ प्रभु देखने को मिलेगी, जिन्होंने शकुंतला का रोल प्ले किया हुआ है। देव मोहन ने दुष्यंत का रोल प्ले किया हुआ है। सचिन खेड़ेकर ने कानवा महर्षि का रोल प्ले किया हुआ है। मोहन बाबू ने दुर्वासा महर्षि का रोल प्ले किया हुआ है। अदिति बालन को प्रिया वदा का रोल दिया गया था। अनन्या नागल्ला ने इस फिल्म में अनासोया का रोल प्ले किया हुआ है। प्रकाश राज ने सारंगी का रोल प्ले किया हुआ है। गौतमी ने गौतमी का रोल प्ले किया हुआ है। मधु ने मेनका का रोल प्ले किया हुआ है। कबीर बेदी को कश्यप महर्षि का रोल दिया गया था। जीसू सेन गुप्ता ने इंद्रदेव का रोल प्ले किया हुआ है। कबीर दुहान सिंह को किंग असुरा का रोल दिया गया था। अल्लू आरा जो अल्लू अर्जुन की बेटी है उन्होंने प्रिंस भारता के रोल में इस फिल्म के साथ अपने सिनेमा जगत में डेब्यू किया हुआ था। एक्ट्रेस के तौर पर, चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर वर्षिनी सौंदरराजन ने सन्मुथी का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पर हरीश उथामन, सुब्बाराजू, आदर्श बालाकृष्णन, यश पुरी भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत 2017 में ही की गई थी, जहां पे पहले इस फिल्म के अलावा एक फिल्म बनने वाली थी। डायरेक्टर गुणाशेखर ने हिरण्यकश्यप फिल्म के ऊपर बातचीत की हुई थी। राणा दग्गुबाटी उसमें लीड रोल में होने वाले, एक हिस्टोरिकल एपिक टेल होने वाली असुरा की और हिरण्यकश्यप के बीच की। बाद में अक्टूबर 2020 में अचानक डायरेक्टर ने बात की हुई थी कि प्री प्रोडक्शन है वो हिरण्यकश्यप का कंप्लीट हो चुका है। कोविड के दौरान चीज़ें चेंज हो गई और उसके बाद में उन्होंने कहा कि इस फिल्म की शूटिंग आने वाले समय में नहीं बनेगी। लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक और फिल्म बनाई हुई है कालिदासा के 4th सेंचुरी प्ले शाकुंतला के ऊपर। तो उस फिल्म की कहानी को हम इसमें प्ले इस फिल्म में उनको इर्द गिर्द उनकी और दुष्यंत की जो लव स्टोरी है शाकुंतला की वो इस फिल्म में दिखाएंगे। जहाँ पे इस फिल्म में पहले उन्होंने अनुष्का शेट्टी को अप्रोच किया हुआ था इस रोल के लिए। इससे पहले उन्होंने रुद्रमादेवी के साथ उनके साथ काम किया हुआ था, वो फिल्म वैसे कुछ सक्सेसफुल नहीं साबित हो पाई थी। उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के लिए मलयालम एक्टर देव मोहन को अप्रोच किया हुआ था दुष्यंत का रोल करने के लिए। उनको एक किरदार पसंद आया था। एक्ट्रेस के तौर पर रिसाइबा को अप्रोच किया गया था कुछ इंपॉर्टेंट रोल के लिए, कैरेक्टर रोल के लिए, लेकिन उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं हुई थी। बाद में वो इस फिल्म में से आगे बढ़ चुकी थी सेवरल रीजंस के चलते। समंता को इस फिल्म में ऑफिशियली कास्ट किया गया था, लीड रोल दिया गया था, जहाँ पे देव मोहन के अपोजिट उनको कास्ट किया हुआ था। उसके बाद में अलग अलग एक्टर्स को इस फिल्म में कास्ट किया गया था। उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी। नॉर्थ का पूरा सेट तैयार किया हुआ था, हस्तिनापुर का, कश्मीर का, हिमालय इसका, तो वो सभी चीज़ें सेट बना के क्रिएट की हुई थी। सेट डिज़ाइन अशोक कोलारथ ने की हुई थी। उसके बाद में नीता लुल्ला जो एक नेशनल अवॉर्डी है फैशन डिज़ाइनर है उन्होंने इस फिल्म की कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की हुई थी। इससे पहले रुद्रमादेवी की कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी उन्होंने ही की हुई थी। फिल्म की शूटिंग को 15 मार्च 2021 से अन्नपूर्णा स्टूडियो से स्टार्ट किया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म को कोविड के चलते रोकना पड़ा था। वैसे फिल्म को हैदराबाद में अन्नपूर्णा स्टूडियो में बाद में वापस से स्टार्ट किया हुआ था, जहां पे इस फिल्म को पूरी तरह से अगस्त 2021 में अन्नपूर्णा स्टूडियो में कंप्लीट करवाया हुआ था। अगस्त के लास्ट वीक में इस फिल्म को कंप्लीट करवाया था। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में विजुअल, ग्राफिक्स, इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था। कुछ टैलेंटेड आर्टिस्ट थे जहाँ पे VFX के लिए कनाडा, हांगकॉन्ग, चाइना इस फिल्म को विजुअलाइजेशन राइट के लिए ले जाया गया था। और जिस तरह से बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से वीएफएक्स में भी कंप्लीट करवाया था। समंथा ने अपनी डबिंग पोर्शन को अप्रैल 2022 में कंप्लीट करवाया था। उन्होंने इस फिल्म के लिए तेलुगु, तमिल और हिंदी वर्जन में अपना डब वॉइस और खुद किया हुआ था। उसके बाद में जनवरी 2022 तक अल्लू आहरा ने अपना डबिंग कंप्लीट किया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म का 3D फॉर्मेट कन्वर्ट करवाया गया था। 2023 में जनवरी महीने में इस फिल्म को 3D में कन्वर्ट करवा के कंप्लीट करवाया था। उसके बाद में सेंसर सर्टिफिकेशन लिया गया था। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। फिल्म में टोटल 4 गाने थे जिसको मनीष शर्मा के पास कंपोज करवाया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो कंपोजिशन है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स के वो मनीष शर्मा ने की हुई थी। इसके अलावा 21 मिनट 36 सेकंड साउंड ट्रैक था। जहां पे इस फिल्म के ट्रैक लिस्ट की बात करें तो पहला गाना था मल्लिका मल्लिका, जिसके लिरिक्स चैतन्य प्रसाद ने लिखे हुए। सिंगर रम्या बेहरा थी। वहीं पे रुसिवन लोना करके जो गाना था उसके लिरिक्स श्रीमनी ने लिखे हुए थे। चिन्मयी श्रीपाड़ा और सिद्ध श्री राम ने गाया हुआ था। यल्ले लो गाने को लिखा हुआ है चैतन्य प्रसाद ने, गाया हुआ है अनुराग कुलकर्णी ने। मधुरा गथम करके जो गाना है उसके लिरिक्स श्रीमनी ने लिखे हुए थे। सिंगर अरमान मलिक और श्रेया घोषाल थे। इसके अलावा हिंदी वर्जन में उन गानों को लिखा हुआ था प्रशांत इंगोले ने। लिरिक्स उनके थे सभी गानों के लिए। पहला गाना था मल्लिका मल्लिका, उसको रम्या बेहरा ने ही गाया हुआ था। ऋषि मुनिया का करके जो गाना था उसको चिन्मयी श्रीपाड़ा और नरेश आयर ने गाया हुआ था। यल्ले ले लो को जावेद अली ने गाया हुआ था। मधुरा कल तू, उसको अरमान मलिक और श्वेता मोहन ने गाया हुआ था। तो इस तरह से हिंदी व ट्रैक लिस्ट को भी तैयार किया हुआ था। फिलहाल में सभी वर्जन के जो गाने हैं वो टिप्स के अलग अलग जो यूट्यूब चैनल है तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी वर्जन के लिए वहाँ पे सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे। शाकुंतलम की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की कहानी और शाकुंतला के किरदार के ऊपर सेट की हुई है और उसमें जो प्ले ओरिजिनली में जो घटा था जो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए हुए, जहाँ पे इस फिल्म में पूरी तरह से शाकुंतला और दुष्यंत की जो रिलेशनशिप है उसको एक एंगल के साथ प्रूव करने की कोशिश की हुई, वो सभी चीज़ें फिल्म में दिखाई हुई है। इसके अलावा इस फिल्म में समंथा ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है, जहाँ पे उनका स्क्रीन टाइम आपको सेकंड हाफ में कम नजर आएगा। हाँ, लीड एक्ट्रेस है, मेन किरदार है, टाइटल उनके ऊपर ही है, तो भी उनका रोल सेकंड हाफ में कम है, लेकिन उसके बावजूद वो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल कर रही थी। इमोशनल सीन्स में समंथा ने अपना एक मकाम हासिल किया हुआ है फिल्म के साथ। उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म में जो किरदार है वो प्ले किया हुआ था अपना, उसमें उनका जो अलग अलग शेड्स देखने को मिलता है वो बढ़िया है। देव मोहन के साथ उनकी केमिस्ट्री बढ़िया नज़र आ रही थी। देव मोहन ने भी बखूबी अपना काम किया हुआ है, उनका भी करिश्मा, उनका लुक फिल्म में काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने अपना काम अप्रोच किया हुआ है किरदार के प्रति बढ़िया था। दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट जैसे कि मोहन बाबू है, अल्लू आरहा है, ये सभी उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। सभी एक्टर्स का काम बढ़िया था, सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। उसके बावजूद फिल्म को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया था वो थोड़ा डल नज़र आता है। डायरेक्टर थोड़ा बेहतर वे में इन सभी चीज़ों को दिखा सकते थे। स्क्रीन प्ले फिल्म का बेहतर हो सकता था। जो आइडिया था उसमें जो सिंप्लिसिटी स्टोरी में नज़र आती है उसको थोड़ा बेटर वे में हमारे सामने पेश किया जा सकता था। कहानी काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो जाती है। ड्रामा चीज़ों को काफ़ी मेजोरिटी वे में मिसिंग वेनर में दिखाया हुआ है। इसके अलावा जिस तरह से कैरेक्टर के साथ हमें कनेक्शन होना चाहिए वो महसूस नहीं होता है। इससे वीएफएक्स और सीजीआई भी काम भी काफ़ी ठीक ठाक नज़र आता है। इसके अलावा इस फिल्म को पहले बताया गया था 80 करोड़ में बनाए, बाद में 60 करोड़ में, पर जिस तरह का वीएफएक्स जो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो कुछ खास नहीं है। 3D वर्जन कन्वर्ट तो किया था लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा इस फिल्म में काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें जिसको बेटर की जा सकती थी, लेकिन ओवरऑल बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट था, गाने डिसेंट थे, सिनेमेटोग्राफी डिसेंट नज़र आती है, एडिटिंग काफ़ी बेहतर हो सकती थी। फिल्म के कई सीन्स को चॉप अप किया जा सकता था। प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की बजट के हिसाब से जिस तरह जो चीज़ें देखने को मिलती है वो काफ़ी पुअर नज़र आती है। ओवरऑल ये एक ऐसी मैथकल ड्रामा फिल्म है जो हमें इम्प्रेस करने में फेल हो जाती है। इमोशनली इस फिल्म की चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ चीज़ों को दिखाया हुआ है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें फिल्म से मिसिंग नज़र आती है। ड्रामा जिस तरह से वीएफएक्स पोर्शन है वो सभी चीज़ें जिस तरह से हैंडल किए हुए वो सभी चीज़ें बहुत ही इम्पैक्ट को रिड्यूस करती हुई नज़र आती है। तो ओवरऑल समंथा की ऑनेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, अदरवाइज फिल्म में ऐसा कुछ खास नहीं है। शाकुंतलम फिल्म को तेलुगु के साथ तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में 14 अप्रैल 2023 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। फिल्म को जब थिएटर में रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला, जिसके चलते आईएमडीबी के ऊपर इस फिल्म को 4.7 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से, जिसमें करीबन फिल्म को आईएमडीबी पे करीबन 700 वोट मिले हुए थे, तो एक बिलो एवरेज रेटिंग हासिल हुई थी फिल्म को। उसके बाद में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे भी कुछ उसी काइंड ऑफ कलेक्शन किया हुआ था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे पूरी तरह से फेल साबित हुई थी। इस फिल्म ने जिस तरह से अपनी ओपनिंग ली हुई थी उससे अंदाज़ा लग गया था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी। आपको पहले मैं हिंदी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन की डिटेल दे देता हूँ। पहले दिन फिल्म ने 32 लाख का नेट कलेक्शन किया था, दूसरे दिन 29 लाख का, तीसरे दिन फिर से 32 लाख का नेट कलेक्शन करते हुए 93 लाख का इस फिल्म ने इंडिया में हिंदी वर्जन का वीकेंड कलेक्शन लिया हुआ था। नेट कलेक्शन 10 लाख का मंडे के दिन, 9 लाख का ट्यूसडे के दिन, वेडनेसडे के दिन फिर से 8 लाख का, थर्सडे के दिन 7 लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने एक वीक तक बहुत ही बुरी तरह से सर्वाइव किया हुआ था, जहाँ पे हिंदी वर्जन 1,27 करोड़ में ही सिमट गया था। तो हिंदी वर्जन फिल्म का नहीं चला, ठीक उसी तरह तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम कोई भी वर्जन नहीं चला, जिसके चलते समंता का जो स्टारडम था उस हिसाब से फिल्म डिसेंट वे में ओपनिंग ले सकती थी, लेकिन गुनाशेखर ने जिस तरह चीज़ों को पेश किया था वो पूरा एक वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट किया, जिसके चलते फिल्म वीकेंड में ही फ्लॉप हो गई, जहाँ पे इस फिल्म ने 65 करोड़ के बजट के सामने सिर्फ 20 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म एक बॉक्स ऑफिस बॉम्ब साबित हुई, अनसक्सेसफुल साबित हुई थी, जहाँ पे इस फिल्म के जो OTT राइट्स थे सभी वर्जन के वो अमेज़न प्राइम वीडियो वालों ने काफ़ी भारी रकम में खरीदे हुए थे, जहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया था 10 फरवरी 2023 को कि उनके पास इस फिल्म के ऑफिशियल राइट्स है हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा सभी वर्जन के लिए। और उसके बाद में उन्होंने 14 अप्रैल 2023 को इन सभी वर्जन को रिलीज़ करने का फैसला लिया था, लेकिन बाद में चीज़ें पोस्टपोन की गई और उसके बाद में अमेज़न प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को 11 मई 2023 को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया उनके OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में। तो गाइज़, अगर आपको फ़िलहाल में इस फिल्म को ऑफिशियली देखना है तो OTT प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर तेलुगु मेन लैंग्वेज के साथ हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम इन सभी डब्ड वर्जन में ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शाकुंतलम फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम इन सभी वर्जन में, जहाँ पे तेलुगु मेन वर्जन है, बाकी सभी डब्ड वर्जन है। तो दोस्तों, इस तरह से शाकुंतलम फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। शाकुंतलम जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक माइथोलॉजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को पैन इंडिया लेवल पे क्रिएट किया गया था, जहाँ पे फिल्म को तेलुगु वर्जन में बनाया हुआ था, वहीं पे तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी इन सभी वर्जन में फिल्म को डब करके थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था। शाकुंतलम एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म थी जिसको काफ़ी हाई बजट में बनाया हुआ था। करीबन बताया जा रहा था कि 60 से 70 करोड़ जितना इस फिल्म का बजट है, तो उस हिसाब से इस फिल्म में काम किया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म की जो जॉनर है माइथोलॉजिकल रोमांटिक ड्रामा उसमें लिखावट की हुई है गुनाशेखर ने। फिल्म के डायलॉग साई माधव बुर्रा ने लिखे हुए। शाकुंतला जो कालिदास की बुक थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ था। स्क्रीन प्ले डायरेक्शन गुनाशेखर का था, वहीं पे प्रोड्यूस किया हुआ है नीलिमा गुना ने। और इस फिल्म को गुना टीम वर्क्स श्री वेंकटेश्वरा सिनेमा क्रिएशंस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 65 करोड़ में बनाया हुआ था। श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी दिल राजू प्रोड्यूसर किए। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूट इस फिल्म को फिल्म्स ने किया हुआ है, जिन्होंने हिंदी वर्जन फिल्म का रिलीज करवाया हुआ था। तेलुगु जो वर्जन था वो डिस्ट्रीब्यूट श्री वेंकटेश्वरा सिनेमा क्रिएशन जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने ही करवाया हुआ था। इस फिल्म के टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी शेखर वी जोसेफ ने की हुई है। फिल्म की एडिटिंग प्रवीण पुडी ने की हुई थी, जिन्होंने 142 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 22 मिनट की देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से UA सर्टिफिकेट मिला हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में मनीष शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए, जहाँ पे इस फिल्म में टोटल 4 गाने सभी वर्जन में, सभी गानों को राइट्स है वो टिप्स वालों ने खरीदे हुए थे, टिप्स इंडस्ट्रीज़ ने। वहीं पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में समंथा रुथ प्रभु देखने को मिलेगी, जिन्होंने शकुंतला का रोल प्ले किया हुआ है। देव मोहन ने दुष्यंत का रोल प्ले किया हुआ है। सचिन खेड़ेकर ने कानवा महर्षि का रोल प्ले किया हुआ है। मोहन बाबू ने दुर्वासा महर्षि का रोल प्ले किया हुआ है। अदिति बालन को प्रिया वदा का रोल दिया गया था। अनन्या नागल्ला ने इस फिल्म में अनासुया का रोल प्ले किया हुआ है। प्रकाश राज ने सारंगी का रोल प्ले किया हुआ है। गौतमी ने गौतमी का रोल प्ले किया हुआ है। मधु ने मेनका का रोल प्ले किया हुआ है। कबीर बेदी को कश्यप महर्षि का रोल दिया गया था। जीसू सेन गुप्ता ने इंद्रदेव का रोल प्ले किया हुआ है। कबीर दुहान सिंह को किंग असुरा का रोल दिया गया था। अल्लू आरा जो अल्लू अर्जुन की बेटी है, उन्होंने प्रिंस भरता के रोल में इस फिल्म के साथ अपने सिनेमा जगत में डेब्यू किया हुआ था। एक्ट्रेस के तौर पर, चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर वर्षिनी सौंदरराजन ने सन्मुथी का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पर हरीश उथामन, सुब्बाराजू, आदर्श बालाकृष्णन, यश पुरी भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत 2017 में ही की गई थी, जहां पे पहले इस फिल्म के अलावा एक फिल्म बनने वाली थी। डायरेक्टर गुणाशेखर ने हिरण्यकश्यप फिल्म के ऊपर बातचीत की हुई थी। राणा दग्गू भट्टी उसमें लीड रोल में होने वाले, एक हिस्टोरिकल एपिक टेल होने वाली असुरा की और हिरण्यकश्यप के बीच की। बाद में अक्टूबर 2020 में अचानक डायरेक्टर ने बात की हुई थी कि प्री प्रोडक्शन है वो हिरण्यकश्यप का कंप्लीट हो चुका है। कोविड के दौरान चीज़ें चेंज हो गई और उसके बाद में उन्होंने कहा कि इस फिल्म की शूटिंग आने वाले समय में नहीं बनेगी। लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक और फिल्म बनाई हुई है, कालिदासा के 4th century प्ले शाकुंतला के पर। तो उस फिल्म की कहानी को हम इसमें प्ले इस फिल्म में उनको इर्द गिर्द उनकी और दुष्यंत की जो लव स्टोरी है शाकुंतला की, वो इस फिल्म में दिखाएंगे। जहां पे इस फिल्म में पहले उन्होंने अनुष्का शेट्टी को अप्रोच किया हुआ था इस रोल के लिए। इससे पहले उन्होंने रुद्रमादेवी के साथ काम किया हुआ था, वो फिल्म वैसे कुछ सक्सेसफुल नहीं साबित हो पाई थी। उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के लिए मलयालम एक्टर देव मोहन को अप्रोच किया हुआ था दुष्यंत का रोल करने के लिए। उनको एक किरदार पसंद आया था। एक्ट्रेस के तौर पर रिसाइबा को अप्रोच किया गया था कुछ इंपॉर्टेंट रोल के लिए, कैरेक्टर रोल के लिए, लेकिन उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं हुई थी। बाद में वो इस फिल्म में से आगे बढ़ चुकी थी सेवरल रीजंस के चलते। समंथा को इस फिल्म में ऑफिशियली कास्ट किया गया था, लीड रोल दिया गया था, जहाँ पे देव मोहन के अपोजिट उनको कास्ट किया हुआ था। उसके बाद में अलग अलग एक्टर्स को इस फिल्म में कास्ट किया गया था। उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी। नॉर्थ का पूरा सेट तैयार किया हुआ था, हस्तिनापुर का, कश्मीर का, हिमालय इसका, तो वो सभी चीज़ें सेट बना के क्रिएट की हुई थी। सेट डिज़ाइन अशोक कोलारथ ने की हुई थी। उसके बाद में नीता लुल्ला जो एक नेशनल अवॉर्डी है, फैशन डिज़ाइनर है, उन्होंने इस फिल्म की कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की हुई थी। इससे पहले रुद्रमादेवी की कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी उन्होंने ही की हुई थी। फिल्म की शूटिंग को 15 मार्च 2021 से अन्नपूर्णा स्टूडियो से स्टार्ट किया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म को कोविड के चलते रोकना पड़ा था। वैसे फिल्म को हैदराबाद में अन्नपूर्णा स्टूडियो में बाद में वापस से स्टार्ट किया हुआ था, जहां पे इस फिल्म को पूरी तरह से अगस्त 2021 में अन्नपूर्णा स्टूडियो में कंप्लीट करवाया हुआ था। अगस्त के लास्ट वीक में इस फिल्म को कंप्लीट करवाया था। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में विजुअल, ग्राफिक्स, इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था। कुछ टैलेंटेड आर्टिस्ट थे, जहाँ पे VFX के लिए कनाडा, हांगकॉन्ग, चाइना इस फिल्म को विजुअलाइजेशन राइट के लिए ले जाया गया था और इस तरह से बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से VFX में भी कंप्लीट करवाया था। समंथा ने अपनी डबिंग पोर्शन को अप्रैल 2022 में कंप्लीट करवाया था। उन्होंने इस फिल्म के लिए तेलुगु, तमिल और हिंदी वर्जन में अपना डब वॉइस और खुद किया हुआ था। उसके बाद में जनवरी 2022 तक अल्लू आरा ने अपना डबिंग कंप्लीट किया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म का 3D फॉर्मेट कन्वर्ट करवाया गया था। 2023 में जनवरी महीने में इस फिल्म को 3D में कन्वर्ट करवा के कंप्लीट करवाया था। उसके बाद में सेंसर सर्टिफिकेशन लिया गया था। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से UA सर्टिफिकेट मिला हुआ था। फिल्म में टोटल 4 गाने थे, जिसको मनीष शर्मा के पास कंपोज करवाया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो कंपोजिशन है, बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स की, वो मनीष शर्मा ने की हुई थी। इसके अलावा 21 मिनट 36 सेकंड साउंड ट्रैक था, जहां पे इस फिल्म के ट्रैक लिस्ट की बात करें तो पहला गाना था मल्लिका मल्लिका, जिसके लिरिक्स चैतन्य प्रसाद ने लिखे हुए। सिंगर रम्या बेहरा थी। वहीं पे ऋषिवन लोना करके जो गाना था, उसके लिरिक्स श्रीमनी ने लिखे हुए थे। चिन्मयी श्रीपाड़ा और सिद्ध श्रीराम ने गाया हुआ था। यल्ले लो गाने को लिखा हुआ है चैतन्य प्रसाद ने, गाया हुआ है अनुराग कुलकर्णी ने। मधुरा गथम करके जो गाना है, उसके लिरिक्स श्रीमनी ने लिखे हुए थे। सिंगर अरमान मलिक और श्रेया घोषाल थे। इसके अलावा हिंदी वर्जन में उन गानों को लिखा हुआ था प्रशांत इंगोले ने। लिरिक्स उनके थे सभी गानों के लिए। पहला गाना था मल्लिका मल्लिका, उसको रम्या बेहरा ने ही गाया हुआ था। दूसरी मुनिया का करके जो गाना था उसको चिन्मयी श्रीपाड़ा और नरेश आयर ने गाया हुआ था। येल्ले ले ले लो को जावेद अली ने गाया हुआ था। मधुरा कल तू, उसको अरमान मलिक और श्वेता मोहन ने गाया हुआ था। तो इस तरह से हिंदी वर्ड ट्रैक लिस्ट को भी तैयार किया हुआ था। फिलहाल में सभी वर्जन के जो गाने हैं वो टिप्स के अलग अलग जो यूट्यूब चैनल है, तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी वर्जन के लिए, वहाँ पे सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे। शाकुंतलम की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की कहानी और शाकुंतला के किरदार के ऊपर सेट की हुई है और उसमें जो प्ले ओरिजिनली में जो घटा था जो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए हुए, जहाँ पे इस फिल्म में पूरी तरह से शाकुंतला और दुष्यंत की जो रिलेशनशिप है उसको एक एंगल के साथ प्रूव करने की कोशिश की हुई, वो सभी चीज़ें फिल्म में दिखाई हुई है। इसके अलावा इस फिल्म में समंथा ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है, जहाँ पे उनका स्क्रीन टाइम आपको सेकंड हाफ में कम नजर आएगा। हाँ, लीड एक्ट्रेस है, मेन किरदार है, टाइटल उनके ऊपर ही है, तो भी उनका रोल सेकंड हाफ में कम है, लेकिन उसके बावजूद वो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल कर रही थी। इमोशनल सीन्स में समंथा ने अपना एक मकाम हासिल किया हुआ है फिल्म के साथ। उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म में जो किरदार है वो प्ले किया हुआ था अपना, उसमें उनका जो अलग अलग शेड्स देखने को मिलता है वो बढ़िया है। देव मोहन के साथ उनकी केमिस्ट्री बढ़िया नज़र आ रही थी। देव मोहन ने भी बखूबी अपना काम किया हुआ है, उनका भी करिश्मा, उनका लुक फिल्म में काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने अपना काम अप्रोच किया हुआ है किरदार के प्रति वो बढ़िया था। दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट जैसे कि मोहन बाबू है, अल्लू आरहा है, ये सभी उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। सभी एक्टर्स का काम बढ़िया था, सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। उसके बावजूद फिल्म को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया था वो थोड़ा डल नज़र आता है। डायरेक्टर थोड़ा बेहतर वे में इन सभी चीज़ों को दिखा सकते थे। स्क्रीन प्ले फिल्म का बेहतर हो सकता था, जो आइडिया था उसमें जो सिंप्लिसिटी स्टोरी में नज़र आती है उसको थोड़ा बेटर वे में हमारे सामने पेश किया जा सकता था। कहानी काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो जाती है। ड्रामा चीज़ों को काफ़ी मेजोरिटी वे में मिसिंग वेनर में दिखाया हुआ है। इसके अलावा जिस तरह से कैरेक्टर के साथ हमें कनेक्शन होना चाहिए वो महसूस नहीं होता है। इसके वीएफएक्स और सीजीआई भी काम भी काफ़ी ठीक ठाक नज़र आता है। इसके अलावा इस फिल्म को पहले बताया गया था 80 करोड़ में बनाए, बाद में 60 करोड़ में, पर जिस तरह का वीएफएक्स जो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो कुछ खास नहीं है। 3D वर्जन कन्वर्ट तो किया था लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा इस फिल्म में काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें जिसको बेटर की जा सकती थी, लेकिन ओवरऑल बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट था, गाने डिसेंट थे, सिनेमेटोग्राफी डिसेंट नज़र आती है, एडिटिंग काफ़ी बेहतर हो सकती थी, फिल्म के कई सीन्स को चॉपअप किया जा सकता था। प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की बजट के हिसाब से जिस तरह जो चीज़ें देखने को मिलती है वो काफ़ी पुअर नज़र आती है। ओवरऑल ये एक ऐसी मैथकल ड्रामा फिल्म है जो हमें इम्प्रेस करने में फेल हो जाती है। इमोशनली इस फिल्म की चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ चीज़ों को दिखाया हुआ है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें फिल्म से मिसिंग नज़र आती है। ड्रामा जिस तरह से वीएफएक्स पोर्शन है वो सभी चीज़ें जिस तरह से हैंडल किए हुए वो सभी चीज़ें बहुत ही इम्पैक्ट को रिड्यूस करती हुई नज़र आती है। तो ओवरऑल समंथा की ऑनेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, अदरवाइज फिल्म में ऐसा कुछ खास नहीं है। शाकुंतलम फिल्म को तेलुगु के साथ तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में 14 अप्रैल 2023 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। फिल्म को जब थिएटर में रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला, जिसके चलते IMDB के ऊपर इस फिल्म को 4.7 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से, जिसमें करीबन फिल्म को IMDB पे करीबन 700 वोट मिले हुए थे। तो एक बिलो एवरेज रेटिंग हासिल हुई थी फिल्म को। उसके बाद में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे भी कुछ उसी काइंड ऑफ कलेक्शन किया हुआ था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह से फेल साबित हुई थी। इस फिल्म ने जिस तरह से अपनी ओपनिंग ली हुई थी उससे ये अंदाज़ा लग गया था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी। आपको पहले मैं हिंदी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन की डिटेल दे देता हूँ। पहले दिन फिल्म ने 32 लाख का नेट कलेक्शन किया था, दूसरे दिन 29 लाख का, तीसरे दिन फिर से 32 लाख का नेट कलेक्शन करते हुए 93 लाख का इस फिल्म ने इंडिया में हिंदी वर्जन का वीकेंड कलेक्शन लिया हुआ था। नेट कलेक्शन 10 लाख का मंडे के दिन, 9 लाख का ट्यूसडे के दिन, वेडनेसडे के दिन फिर से 8 लाख का, थर्सडे के दिन 7 लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने एक वीक तक बहुत ही बुरी तरह से सर्वाइव किया हुआ था, जहाँ पे हिंदी वर्जन 1 करोड़ 27 लाख में ही सिमट गया था। तो हिंदी वर्जन फिल्म का नहीं चला, ठीक उसी तरह तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम कोई भी वर्जन नहीं चला, जिसके चलते समंथा का जो स्टारडम था उस हिसाब से फिल्म डिसेंट वे में ओपनिंग ले सकती थी, लेकिन गुनाशेखर ने जिस तरह चीज़ों को पेश किया था वो पूरा एक वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट किया, जिसके चलते फिल्म वीकेंड में ही फ्लॉप हो गई। जहां पे इस फिल्म ने 65 करोड़ के बजट के सामने सिर्फ 20 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म एक बॉक्स ऑफिस बॉम्ब साबित हुई, अनसक्सेसफुल साबित हुई थी। जहां पे इस फिल्म के जो OTT राइट्स थे सभी वर्जन के, वो Amazon प्राइम वीडियो वालों ने काफ़ी भारी रकम में खरीदे हुए थे। जहां पे उन्होंने अनाउंस किया था 10 फरवरी 2023 को कि उनके पास इस फिल्म के ऑफिशियल राइट से हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा सभी वर्जन के लिए। और उसके बाद में उन्होंने 14 अप्रैल 2023 को इन सभी वर्जन को रिलीज़ करने का फैसला लिया था, लेकिन बाद में चीज़ें पोस्टपोन की गई। और उसके बाद में अमेज़न प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को 11 मई 2023 को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया उनके OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में। तो गाइज़, अगर आपको फ़िलहाल में इस फिल्म को ऑफिशियली देखना है तो OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर तेलुगु मेन लैंग्वेज के साथ हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम इन सभी डब्ड वर्जन में ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शाकुंतलम फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम इन सभी वर्जन में, जहाँ पे तेलुगु मेन वर्जन है, बाकी सभी डब्ड वर्जन है। तो दोस्तों, इस तरह से शाकुंतलम फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। शाकुंतलम जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक माइथोलॉजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को पैन इंडिया लेवल पे क्रिएट किया गया था, जहाँ पे फिल्म को तेलुगु वर्जन में बनाया हुआ था, वहीं पे तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी इन सभी वर्जन में फिल्म को डब करके थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था। शाकुंतलम एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म थी जिसको काफ़ी हाई बजट में बनाया हुआ था। करीबन बताया जा रहा था कि 60 से 70 करोड़ जितना इस फिल्म का बजट है, तो उस हिसाब से इस फिल्म में काम किया हुआ था। जहाँ पे इस फिल्म की जो जॉनर है माइथोलॉजिकल रोमांटिक ड्रामा, उसमें लिखावट की हुई है गुनासेखर ने। फिल्म के डायलॉग साई माधव बुर्रा ने लिखे हुए। शाकुंतला जो कालिदास की बुक थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ था। स्क्रीन प्ले डायरेक्शन गुनासेखर का था, वहीं पे प्रोड्यूस किया हुआ है नीलिमा गुना ने। और इस फिल्म को गुना टीम वर्क्स श्री वेंकटेश्वरा सिनेमा क्रिएशंस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 65 करोड़ में बनाया हुआ था। श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी दिल राजू प्रोड्यूसर किए। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूट इस फिल्म को फिल्म्स ने किया हुआ है, जिन्होंने हिंदी वर्जन फिल्म का रिलीज करवाया हुआ था। तेलुगु जो वर्जन था वो डिस्ट्रीब्यूट श्री वेंकटेश्वरा सिनेमा क्रिएशन जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने ही करवाया हुआ था। इस फिल्म के टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी शेखर वी जोसेफ ने की हुई है। फिल्म की एडिटिंग प्रवीण पुडी ने की हुई थी, जिन्होंने 142 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 22 मिनट की देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से UA सर्टिफिकेट मिला हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में मनीष शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए, जहाँ पर इस फिल्म में टोटल 4 गाने सभी वर्जन में, सभी गानों को का राइट्स है वो टिप्स वालों ने खरीदे हुए थे, टिप्स इंडस्ट्रीज़ ने। वहीं पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में समंथा रूथ प्रभु देखने को मिलेगी, जिन्होंने शकुंतला का रोल प्ले किया हुआ है। देव मोहन ने दुष्यंत का रोल प्ले किया हुआ है। सचिन खेडेकर ने कानवा महर्षि का रोल प्ले किया हुआ है। मोहन बाबू ने दुर्वासा महर्षि का रोल प्ले किया हुआ है। अदिति बालन को प्रिया वदा का रोल दिया गया था। अनन्या नागल्ला ने इस फिल्म में अनासोया का रोल प्ले किया हुआ है। प्रकाश राज ने सारंगी का रोल प्ले किया हुआ है। गौतमी ने गौतमी का रोल प्ले किया हुआ है। मधु ने मेनका का रोल प्ले किया हुआ है। कबीर बेदी को कश्यप महर्षि का रोल दिया गया था। जीसू सेन गुप्ता ने इंद्रदेव का रोल प्ले किया हुआ है। कबीर दुहान सिंह को किंग असुरा का रोल दिया गया था। अल्लू आरा जो अल्लू अर्जुन की बेटी है उन्होंने प्रिंस भरता के रोल में इस फिल्म के साथ अपने सिनेमा जगत में डेब्यू किया हुआ था। एक्ट्रेस के तौर पर, चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर वर्षिनी सौंदरराजन ने सन्मुथी का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पर हरीश उथामन, सुब्बाराजू, आदर्श बालाकृष्णन, यश पुरी भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे। तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत 2017 में ही की गई थी, जहां पे पहले इस फिल्म के अलावा एक फिल्म बनने वाली थी। डायरेक्टर गुनाशेखर ने हिरण्यकश्यप फिल्म के ऊपर बातचीत की हुई थी। राणा दग्गू भट्टी उसमें लीड रोल में होने वाले, एक हिस्टोरिकल एपिक टेल होने वाली असुरा की और हिरण्यकश्यप के बीच की। बाद में अक्टूबर 2020 में अचानक डायरेक्टर ने बात की हुई थी कि प्री प्रोडक्शन है वो हिरण्यकश्यप का कंप्लीट हो चुका है। कोविड के दौरान चीज़ें चेंज हो गई और उसके बाद में उन्होंने कहा कि इस फिल्म की शूटिंग आने वाले समय में नहीं बनेगी। लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक और फिल्म बनाई हुई है कालिदासा के 4th century प्ले शाकुंतला के ऊपर। तो उस फिल्म की कहानी को हम इसमें इस फिल्म में उनको इर्द गिर्द उनकी और दुष्यंत की जो लव स्टोरी है शाकुंतला की वो इस फिल्म में दिखाएंगे, जहाँ पे इस फिल्म में पहले उन्होंने अनुष्का शेट्टी को अप्रोच किया हुआ था इस रोल के लिए। इससे पहले उन्होंने रुद्रमा देवी के साथ काम किया हुआ था, वो फिल्म वैसे कुछ सक्सेसफुल नहीं साबित हो पाई थी। उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के लिए मलयालम एक्टर देव मोहन को अप्रोच किया हुआ था दुष्यंत का रोल करने के लिए, उनको एक किरदार पसंद आया था। एक्ट्रेस के तौर पर रिस साहिबा को अप्रोच किया गया था कुछ इंपॉर्टेंट रोल के लिए, कैरेक्टर रोल के लिए, लेकिन उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं हुई थी। बाद में वो इस फिल्म में से आगे बढ़ चुकी थी सेवरल रीजंस के चलते। समंता को इस फिल्म में ऑफिशियली कास्ट किया गया था, लीड रोल दिया गया था, जहाँ पे देव मोहन के अपोजिट उनको कास्ट किया हुआ था। उसके बाद में अलग अलग एक्टर्स को इस फिल्म में कास्ट किया गया था। उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी। नॉर्थ का पूरा सेट तैयार किया हुआ था, हस्तिनापुर का, कश्मीर का, हिमालय इसका, तो वो सभी चीज़ें सेट बना के क्रिएट की हुई थी। सेट डिज़ाइन अशोक कोलारथ ने की हुई थी। उसके बाद में नीता लुल्ला जो एक नेशनल अवॉर्डी है फैशन डिज़ाइनर है, उन्होंने इस फिल्म की कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की हुई थी। इससे पहले रुद्रमादेवी की कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी उन्होंने ही की हुई थी। फिल्म की शूटिंग को 15 मार्च 2021 से अन्नपूर्णा स्टूडियो से स्टार्ट किया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म को कोविड के चलते रोकना पड़ा था। वैसे फिल्म को हैदराबाद में अन्नपूर्णा स्टूडियो में बाद में वापस से स्टार्ट किया हुआ था, जहां पे इस फिल्म को पूरी तरह से अगस्त 2021 में अन्नपूर्णा स्टूडियो में कंप्लीट करवाया हुआ था। अगस्त के लास्ट वीक में इस फिल्म को कंप्लीट करवाया था। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में विजुअल ग्राफिक्स इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था। कुछ टैलेंटेड आर्टिस्ट थे, जहाँ पे VFX के लिए कनाडा, हांगकॉन्ग, चाइना इस फिल्म को विजुअलाइजेशन राइट के लिए ले जाया गया था। और इस तरह से बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से VFX में भी कंप्लीट करवाया था। समंथा ने अपनी डबिंग पोर्शन को अप्रैल 2022 में कंप्लीट करवाया था। उन्होंने इस फिल्म के लिए तेलुगु, तमिल और हिंदी वर्जन में अपना डब वॉइस और खुद किया हुआ था। उसके बाद में जनवरी 2022 तक अल्लू आरा ने अपना डबिंग कंप्लीट किया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म का 3D फॉर्मेट कन्वर्ट करवाया गया था। 2023 में जनवरी महीने में इस फिल्म को 3D में कन्वर्ट करवा के कंप्लीट करवाया था। उसके बाद में सेंसर सर्टिफिकेशन लिया गया था। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से UA सर्टिफिकेट मिला हुआ था। फिल्म में टोटल 4 गाने थे, जिसको मनीष शर्मा के पास कंपोज करवाया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो कंपोजिशन है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स की वो मनीष शर्मा ने की हुई थी। इसके अलावा 21 मिनट 36 सेकंड साउंड ट्रैक था, जहां पे इस फिल्म के ट्रैक लिस्ट की बात करें तो पहला गाना था मल्लिका मल्लिका, जिसके लिरिक्स चैतन्य प्रसाद ने लिखे हुए। सिंगर रम्या बेहरा थी, वहीं पे ऋषिवन लोना करके जो गाना था उसके लिरिक्स श्रीमनी ने लिखे हुए थे। चिन्मयी श्रीपाड़ा और सिद्ध श्री राम ने गाया हुआ था। यल्ले लो गाने को लिखा हुआ है चैतन्य प्रसाद ने, गाया हुआ है अनुराग कुलकर्णी ने। मधुरा गथम करके जो गाना है उसके लिरिक्स श्रीमनी ने लिखे हुए थे। सिंगर अरमान मलिक और श्रेया घोषाल थे। इसके अलावा हिंदी वर्जन में उन गानों को लिखा हुआ था प्रशांत इंगोले ने। लिरिक्स उनके थे सभी गानों के लिए। पहला गाना था मल्लिका मल्लिका, उसको रम्या बेहरा ने ही गाया हुआ था। ऋषि मुनिया का करके जो गाना था उसको चिन्मय श्रीपाड़ा और नरेश आयर ने गाया हुआ था। यल्ले ले लो को जावेद अली ने गाया हुआ था। मधुरा कल तू, उसको अरमान मलिक और श्वेता मोहन ने गाया हुआ था। तो इस तरह से हिंदी व ट्रैक लिस्ट को भी तैयार किया हुआ था। फिलहाल में सभी वर्जन के जो गाने हैं वो टिप्स के अलग अलग जो यूट्यूब चैनल है तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी वर्जन के लिए वहाँ पे सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे। शाकुंतलम की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की कहानी और शाकुंतला के किरदार के ऊपर सेट की हुई है, और उसमें जो प्ले ओरिजिनली में जो घटा था जो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए हुए, जहाँ पे इस फिल्म में पूरी तरह से शाकुंतला और दुष्यंत की जो रिलेशनशिप है उसको एक एंगल के साथ प्रूव करने की कोशिश की हुई, वो सभी चीज़ें फिल्म में दिखाई हुई है। इसके अलावा इस फिल्म में समंथा ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है, जहाँ पे उनका स्क्रीन टाइम आपको सेकंड हाफ में कम नजर आएगा। हाँ, लीड एक्ट्रेस है, मेन किरदार है, टाइटल उनके ऊपर ही है, तो भी उनका रोल सेकंड हाफ में कम है, लेकिन उसके बावजूद वो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल कर रही थी। इमोशनल सीन्स में समंथा ने अपना एक मकाम हासिल किया हुआ है फिल्म के साथ। उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म में जो किरदार है वो प्ले किया हुआ था अपना, उसमें उनका जो अलग अलग शेड्स देखने को मिलता है वो बढ़िया है। देव मोहन के साथ उनकी केमिस्ट्री बढ़िया नज़र आ रही थी। देव मोहन ने भी बखूबी अपना काम किया हुआ है, उनका भी करिश्मा, उनका लुक फिल्म में काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने अपना काम अप्रोच किया हुआ है किरदार के प्रति, वो बढ़िया था। दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट जैसे कि मोहन बाबू है, अल्लू आरहा है, ये सभी उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। सभी एक्टर्स का काम बढ़िया था, सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। उसके बावजूद फिल्म को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया था वो थोड़ा डल नज़र आ रहा है। डायरेक्टर थोड़ा बेहतर वे में इन सभी चीज़ों को दिखा सकते थे। स्क्रीन प्ले फिल्म का बेहतर हो सकता था। जो आइडिया था उसमें जो सिंप्लिसिटी स्टोरी में नज़र आते उसको थोड़ा बेटर वे में हमारे सामने पेश किया जा सकता था। कहानी काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो जाती है। ड्रामा चीज़ों को काफ़ी मेजोरिटी वे में मिसिंग वेनर में दिखाया हुआ है। इसके अलावा जिस तरह से कैरेक्टर के साथ हमें कनेक्शन होना चाहिए वो महसूस नहीं होता है। इससे वीएफएक्स और सीजीआई भी काम भी काफ़ी ठीक ठाक नज़र आता है। इसके अलावा इस फिल्म को पहले बताया गया था 80 करोड़ में बनाए, बाद में 60 करोड़ में, पर जिस तरह का वीएफएक्स जो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो कुछ खास नहीं है। 3D वर्जन कन्वर्ट तो किया था लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा इस फिल्म में काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें जिसको बेटर की जा सकती थी, लेकिन ओवरऑल बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट था, गाने डिसेंट थे, सिनेमेटोग्राफी डिसेंट नज़र आती है, एडिटिंग काफ़ी बेहतर हो सकती थी, फिल्म के कई सीन्स को चॉपअप किया जा सकता था। प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की बजट के हिसाब से जिस तरह जो चीज़ें देखने को मिलती है वो काफ़ी पुअर नज़र आती है। ओवरऑल ये एक ऐसी मैथकल ड्रामा फिल्म है जो हमें इम्प्रेस करने में फेल हो जाती है। इमोशनली इस फिल्म की चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ चीज़ों को दिखाया हुआ है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें फिल्म से मिसिंग नज़र आती है। ड्रामा जिस तरह से वीएफएक्स पोर्शन है वो सभी चीज़ें जिस तरह से हैंडल किए हुए वो सभी चीज़ें बहुत ही इम्पैक्ट को रिड्यूस करती हुई नज़र आती है। तो ओवरऑल समंथा की ऑनेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, अदरवाइज़ फिल्म में ऐसा कुछ खास नहीं है। शाकुंतलम फिल्म को तेलुगु के साथ तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में 14 अप्रैल 2023 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। फिल्म को जब थिएटर में रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला, जिसके चलते आईएमडीबी के ऊपर इस फिल्म को 4.7 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से, जिसमें करीबन फिल्म को आईएमडीबी पे करीबन 700 वोट मिले हुए थे। तो एक बिलो एवरेज रेटिंग हासिल हुई थी फिल्म को। उसके बाद में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे भी कुछ उसी काइंड ऑफ कलेक्शन किया हुआ था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह से फेल साबित हुई थी। इस फिल्म ने जिस तरह से अपनी ओपनिंग ली हुई थी उससे अंदाज़ा लग गया था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी। आपको पहले मैं हिंदी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन की डिटेल दे देता हूँ। पहले दिन फिल्म ने 32 लाख का नेट कलेक्शन किया था, दूसरे दिन 29 लाख का, तीसरे दिन फिर से 32 लाख का नेट कलेक्शन करते हुए 93 लाख का इस फिल्म ने इंडिया में हिंदी वर्जन का वीकेंड कलेक्शन लिया हुआ था। नेट कलेक्शन 10 लाख का मंडे के दिन, 9 लाख का ट्यूसडे के दिन, वेडनेसडे के दिन फिर से 8 लाख का, थर्सडे के दिन 7 लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने एक वीक तक बहुत ही बुरी तरह से सर्वाइव किया हुआ था, जहां पे हिंदी वर्जन 1 करोड़ 27 लाख में ही सिमट गया था। तो हिंदी वर्जन फिल्म का नहीं चला, ठीक उसी तरह तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम कोई भी वर्जन नहीं चला, जिसके चलते समंथा का जो स्टारडम था उस हिसाब से फिल्म डिसेंट वे में ओपनिंग ले सकती थी, लेकिन गुनाशेखर ने जिस तरह चीज़ों को पेश किया था वो पूरा एक वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट किया, जिसके चलते फिल्म वीकेंड में ही फ्लॉप हो गई। जहाँ पे इस फिल्म ने 65 करोड़ के बजट के सामने सिर्फ 20 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म एक बॉक्स ऑफिस बॉम्ब साबित हुई, अनसक्सेसफुल साबित हुई थी। जहाँ पे इस फिल्म के जो OTT राइट्स थे सभी वर्जन के वो Amazon प्राइम वीडियो वालों ने काफ़ी भारी रकम में खरीदे हुए थे। जहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया था 10 फरवरी 2023 को कि उनके पास इस फिल्म के ऑफिशियल राइट्स है हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा सभी वर्जन के लिए। और उसके बाद में उन्होंने 14 अप्रैल 2023 को इन सभी वर्जन को रिलीज़ करने का फैसला लिया था, लेकिन बाद में चीज़ें पोस्टपोन की गई और उसके बाद में अमेज़न प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को 11 मई 2023 को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया उनके OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में। तो गाइज़, अगर आपको फ़िलहाल में इस फिल्म को ऑफिशियली देखना है तो OTT प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर तेलुगु मेन लैंग्वेज के साथ हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम इन सभी डब्ड वर्जन में ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शाकुंतलम फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम इन सभी वर्जन में, जहाँ पे तेलुगु मेन वर्जन है, बाकी सभी डब्ड वर्जन है। तो दोस्तों, इस तरह से शाकुंतलम फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। शाकुंतलम जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक माइथोलॉजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को पैन इंडिया लेवल पे क्रिएट किया गया था, जहाँ पे फिल्म को तेलुगु वर्जन में बनाया हुआ था, वहीं पे तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी इन सभी वर्जन में फिल्म को डब करके थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था। शाकुंतलम एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म थी जिसको काफ़ी हाई बजट में बनाया हुआ था। करीबन बताया जा रहा था कि 60 से 70 करोड़ जितना इस फिल्म का बजट है, तो उस हिसाब से इस फिल्म में काम किया हुआ था, जहाँ पे इस फिल्म की जो जॉनर है माइथोलॉजिकल रोमांटिक ड्रामा, उसमें लिखावट की हुई है गुणाशेखर ने। फिल्म के डायलॉग साई माधव बुर्रा ने लिखे हुए। शाकुंतला जो कालिदास की बुक थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ था। स्क्रीन प्ले डायरेक्शन गुणाशेखर का था, वहीं पे प्रोड्यूस किया हुआ है नीलिमा गुना ने। और इस फिल्म को गुना टीम वर्क्स श्री वेंकटेश्वरा सिनेमा क्रिएशंस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 65 करोड़ में बनाया हुआ था। श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी दिल राजू प्रोड्यूसर किए। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूट इस फिल्म को फिल्म्स ने किया हुआ है, जिन्होंने हिंदी वर्जन फिल्म का रिलीज करवाया हुआ था। तेलुगु जो वर्जन था वो डिस्ट्रीब्यूट श्री वेंकटेश्वरा सिनेमा क्रिएशन जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने ही करवाया हुआ था। इस फिल्म के टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी शेखर वी जोसेफ ने की हुई है। फिल्म की एडिटिंग प्रवीण पुडी ने की हुई थी, जिन्होंने 142 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 22 मिनट की देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में मनीष शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए, जहाँ पे इस फिल्म में टोटल 4 गाने सभी वर्जन में, सभी गानों को का राइट्स है वो टिप्स वालों ने खरीदे हुए थे, टिप्स इंडस्ट्रीज़ ने। वहीं पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में समंथा रूथ प्रभु देखने को मिलेगी, जिन्होंने शकुंतला का रोल प्ले किया हुआ है। देव मोहन ने दुष्यंत का रोल प्ले किया हुआ है। सचिन खेडेकर ने कानवा महर्षि का रोल प्ले किया हुआ है। मोहन बाबू ने दुर्वासा महर्षि का रोल प्ले किया हुआ है। अदिति बालन को प्रिया वदा का रोल दिया गया था। अनन्या नागल्ला ने इस फिल्म में अनासोया का रोल प्ले किया हुआ है। प्रकाश राज ने सारंगी का रोल प्ले किया हुआ है। गौतमी ने गौतमी का रोल प्ले किया हुआ है। मधु ने मेनका का रोल प्ले किया हुआ है। कबीर बेदी को कश्यप महर्षि का रोल दिया गया था। जीसू सेन गुप्ता ने इंद्रदेव का रोल प्ले किया हुआ है। कबीर दुहान सिंह को किंग असुरा का रोल दिया गया था। अल्लू आरा जो अल्लू अर्जुन की बेटी है उन्होंने प्रिंस भारता के रोल में इस फिल्म के साथ अपने सिनेमा जगत में डेब्यू किया हुआ था। एक्ट्रेस के तौर पर, चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर वर्षिनी सौंदरराजन ने सन्मुथी का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पर हरीश उथामन, सुब्बाराजू, आदर्श बालाकृष्णन, यश पुरी भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे। तो फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत 2017 में ही की गई थी, जहां पे पहले इस फिल्म के अलावा एक फिल्म बनने वाली थी। डायरेक्टर गुणाशेखर ने हिरण्यकश्यप फिल्म के ऊपर बातचीत की हुई थी। राणा दग्गू भट्टी उसमें लीड रोल में होने वाले, एक हिस्टोरिकल एपिक टेल होने वाली असुरा की और हिरण्यकश्यप के बीच की। बाद में अक्टूबर 2020 में अचानक डायरेक्टर ने बात की हुई थी कि प्री प्रोडक्शन है वो हिरण्यकश्यप का कंप्लीट हो चुका है। कोविड के दौरान चीज़ें चेंज हो गई और उसके बाद में उन्होंने कहा कि इस फिल्म की शूटिंग आने वाले समय में नहीं बनेगी, लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक और फिल्म बनाई हुई है कालिदासा के 4th सेंचुरी प्ले शाकुंतला के ऊपर। तो उस फिल्म की कहानी को हम इसमें इस फिल्म में उनको इर्द गिर्द उनकी और दुष्यंत की जो लव स्टोरी है शाकुंतला की वो इस फिल्म में दिखाएंगे, जहाँ पे इस फिल्म में पहले उन्होंने अनुष्का शेट्टी को अप्रोच किया हुआ था इस रोल के लिए। इससे पहले उन्होंने रुद्रमादेवी के साथ काम किया हुआ था, वो फिल्म वैसे कुछ सक्सेसफुल नहीं साबित हो पाई थी। उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के लिए मलयालम एक्टर देव मोहन को अप्रोच किया हुआ था दुष्यंत का रोल करने के लिए, उनको एक किरदार पसंद आया था। एक्ट्रेस के तौर पर रिसाइबा को अप्रोच किया गया था कुछ इंपॉर्टेंट रोल के लिए, कैरेक्टर रोल के लिए, लेकिन उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं हुई थी। बाद में वो इस फिल्म में से आगे बढ़ चुकी थी सेवरल रीजंस के चलते। समंता को इस फिल्म में ऑफिशियली कास्ट किया गया था, लीड रोल दिया गया था, जहाँ पे देवमोहन के अपोजिट उनको कास्ट किया हुआ था। उसके बाद में अलग अलग एक्टर्स को इस फिल्म में कास्ट किया गया था। उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी। नॉर्थ का पूरा सेट तैयार किया हुआ था, हस्तिनापुर का, कश्मीर का, हिमालय का, तो वो सभी चीज़ें सेट बना के क्रिएट की हुई थी। सेट डिज़ाइन अशोक कोलारथ ने की हुई थी। उसके बाद में नीता लुल्ला जो एक नेशनल अवॉर्डी है, फैशन डिज़ाइनर है, उन्होंने इस फिल्म की कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की हुई थी। इससे पहले रुद्रमादेवी की कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी उन्होंने ही की हुई थी। फिल्म की शूटिंग को 15 मार्च 2021 से अन्नपूर्णा स्टूडियो से स्टार्ट किया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म को कोविड के चलते रोकना पड़ा था। वैसे फिल्म को हैदराबाद में अन्नपूर्णा स्टूडियो में बाद में वापस से स्टार्ट किया हुआ था, जहां पे इस फिल्म को पूरी तरह से अगस्त 2021 में अन्नपूर्णा स्टूडियो में कंप्लीट करवाया हुआ था। अगस्त के लास्ट वीक में इस फिल्म को कंप्लीट करवाया था। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में विजुअल, ग्राफिक्स, इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था। कुछ टैलेंटेड आर्टिस्ट थे जहाँ पे VFX के लिए कनाडा, हांगकॉन्ग, चाइना इस फिल्म को विजुअलाइजेशन राइट के लिए ले जाया गया था और इस तरह से बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से VFX में भी कंप्लीट करवाया था। समंथा ने अपनी डबिंग पोर्शन को अप्रैल 2022 में कंप्लीट करवाया था। उन्होंने इस फिल्म के लिए तेलुगु, तमिल और हिंदी वर्जन में अपना डब, वॉइस और खुद किया हुआ था। उसके बाद में जनवरी 2022 तक अल्लू आहरा ने अपना डबिंग कंप्लीट किया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म का 3D फॉर्मेट कन्वर्ट करवाया गया था। 2023 में जनवरी महीने में इस फिल्म को 3D में कन्वर्ट करवा के कंप्लीट करवाया था। उसके बाद में सेंसर सर्टिफिकेशन लिया गया था। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से UA सर्टिफिकेट मिला हुआ था। फिल्म में टोटल 4 गाने थे जिसको मनीष शर्मा के पास कंपोज करवाया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो कंपोजिशन है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स के वो मनीष शर्मा ने की हुई थी। इसके अलावा 21 मिनट 36 सेकंड का साउंड ट्रैक था। जहां पे इस फिल्म के ट्रैक लिस्ट की बात करें तो पहला गाना था मल्लिका मल्लिका, जिसके लिरिक्स चैतन्य प्रसाद ने लिखे हुए। सिंगर रम्या बेहरा थी। वहीं पे ऋषिवन लोना करके जो गाना था उसके लिरिक्स श्रीमनी ने लिखे हुए थे। चिन्मयी श्रीपाड़ा और सिद्ध श्री राम ने गाया हुआ था। यल्ले लो गाने को लिखा हुआ है चैतन्य प्रसाद ने, गाया हुआ है अनुराग कुलकर्णी ने। मधुरा गथम करके जो गाना है उसके लिरिक्स श्रीमनी ने लिखे हुए थे। सिंगर अरमान मलिक और श्रेया घोषाल थे। इसके अलावा हिंदी वर्जन में उन गानों को लिखा हुआ था प्रशांत इंगोले ने। लिरिक्स उनके थे सभी गानों के लिए। पहला गाना था मल्लिका मल्लिका, उसको रम्या बेहरा ने ही गाया हुआ था। ऋषि मुनिया का करके जो गाना था उसको चिन्मयी श्रीपाड़ा और नरेश आयर ने गाया हुआ था। यल्ले ले लो को जावेद अली ने गाया हुआ था। मधुरा कल तू, उसको अरमान मलिक और श्वेता मोहन ने गाया हुआ था। तो इस तरह से हिंदी व ट्रैक लिस्ट को भी तैयार किया हुआ था। फिलहाल में सभी वर्जन के जो गाने हैं वो टिप्स के अलग अलग जो यूट्यूब चैनल है तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी वर्जन के लिए वहाँ पे सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे। शाकुंतलम की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की कहानी और शाकुंतला के किरदार के ऊपर सेट की हुई है और उसमें जो प्ले ओरिजिनली में जो घटा था जो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए हुए, जहाँ पे इस फिल्म में पूरी तरह से शाकुंतला और दुष्यंत की जो रिलेशनशिप है उसको एक एंगल के साथ प्रूव करने की कोशिश की हुई, वो सभी चीज़ें फिल्म में दिखाई हुई है। इसके अलावा इस फिल्म में समंथा ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है, जहाँ पे उनका स्क्रीन टाइम आपको सेकंड हाफ में कम नजर आएगा। हाँ, लीड एक्ट्रेस है, मेन किरदार है, टाइटल उनके ऊपर ही है, तो भी उनका रोल सेकंड हाफ में कम है, लेकिन उसके बावजूद वो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल कर रही थी। इमोशनल सीन्स में समंथा ने अपना एक मकाम हासिल किया हुआ है फिल्म के साथ। उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म में जो किरदार है वो प्ले किया हुआ था अपना, उसमें उनका जो अलग अलग शेड्स देखने को मिलता है वो बढ़िया है। देव मोहन के साथ उनकी केमिस्ट्री बढ़िया नज़र आ रही थी। देव मोहन ने भी बखूबी अपना काम किया हुआ है। उनका भी करिश्मा, उनका लुक फिल्म में काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने अपना काम अप्रोच किया हुआ है किरदार के प्रति वो बढ़िया था। दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट जैसे कि मोहन बाबू है, अल्लू आरहा है, ये सभी उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। सभी एक्टर्स का काम बढ़िया था, सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। उसके बावजूद फिल्म को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया था वो थोड़ा डल नज़र आता है। डायरेक्टर थोड़ा बेहतर वे में इन सभी चीज़ों को दिखा सकते थे। स्क्रीन प्ले फिल्म का बेहतर हो सकता था। जो आइडिया था उसमें जो सिंप्लिसिटी स्टोरी में नज़र आती है उसको थोड़ा बेटर वे में हमारे सामने पेश किया जा सकता था। कहानी काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो जाती है। ड्रामा चीज़ों को काफ़ी मेजोरिटी वे में मिसिंग मैनर में दिखाया हुआ है। इसके अलावा जिस तरह से कैरेक्टर के साथ हमें कनेक्शन होना चाहिए वो महसूस नहीं होता है। इसके VFX और CGI भी काम भी काफ़ी ठीक ठाक नज़र आता है। इसके अलावा इस फिल्म को पहले बताया गया था 80 करोड़ में बनाए, बाद में 60 करोड़ में, पर जिस तरह का VFX जो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो कुछ खास नहीं है। 3D वर्जन कन्वर्ट तो किया था लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा इस फिल्म में काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें जिसको बेटर की जा सकती थी, लेकिन ओवरऑल बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट था, गाने डिसेंट थे, सिनेमेटोग्राफी डिसेंट नज़र आती है, एडिटिंग काफ़ी बेहतर हो सकती थी, फिल्म के कई सीन्स को चॉप अप किया जा सकता था। प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की बजट के हिसाब से जिस तरह जो चीज़ें देखने को मिलती है वो काफ़ी पुअर नज़र आती है। ओवरऑल ये एक ऐसी माइथकल ड्रामा फिल्म है जो हमें इम्प्रेस करने में फेल हो जाती है। इमोशनली इस फिल्म की चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ चीज़ों को दिखाया हुआ है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें फिल्म से मिसिंग नज़र आती है। ड्रामा जिस तरह से VFX पोर्शन है, वो सभी चीज़ें जिस तरह से हैंडल किए हुए हैं, वो सभी चीज़ें बहुत ही इम्पैक्ट को रिड्यूस करती हुई नज़र आती है। तो ओवरऑल समंथा की ऑनेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, अदरवाइज फिल्म में ऐसा कुछ खास नहीं है। शाकुंतलम फिल्म को तेलुगु के साथ तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में 14 अप्रैल 2023 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। फिल्म को जब थिएटर में रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला, जिसके चलते IMDB के ऊपर इस फिल्म को 4.7 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से, जिसमें करीबन फिल्म को IMDB पे करीबन 700 वोट मिले हुए थे। तो एक बिलो एवरेज रेटिंग हासिल हुई थी फिल्म को। उसके बाद में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे भी कुछ उसी काइंड ऑफ कलेक्शन किया हुआ था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह से फेल साबित हुई थी। इस फिल्म ने जिस तरह से अपनी ओपनिंग ली हुई थी उससे अंदाज़ा लग गया था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी। आपको पहले मैं हिंदी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन की डिटेल दे देता हूँ। पहले दिन फिल्म ने 32 लाख का नेट कलेक्शन किया था, दूसरे दिन 29 लाख का, तीसरे दिन फिर से 32 लाख का नेट कलेक्शन करते हुए 93 लाख का इस फिल्म ने इंडिया में हिंदी वर्जन का वीकेंड कलेक्शन लिया हुआ था। नेट कलेक्शन 10 लाख का मंडे के दिन, 9 लाख का ट्यूसडे के दिन, वेडनेसडे के दिन फिर से 8 लाख का, थर्सडे के दिन 7 लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने एक वीक तक बहुत ही बुरी तरह से सर्वाइव किया हुआ था, जहाँ पे हिंदी वर्जन 1,27 करोड़ में ही सिमट गया था। तो हिंदी वर्जन फिल्म का नहीं चला, ठीक उसी तरह तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम कोई भी वर्जन नहीं चला, जिसके चलते समंता का जो स्टारडम था उस हिसाब से फिल्म डिसेंट वे में ओपनिंग ले सकती थी, लेकिन गुनाशेखर ने जिस तरह चीज़ों को पेश किया होता वो पूरा एक वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट किया, जिसके चलते फिल्म वीकेंड में ही फ्लॉप हो गई। जहाँ पे इस फिल्म ने 65 करोड़ के बजट के सामने सिर्फ 20 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म एक बॉक्स ऑफिस बॉम्ब साबित हुई, अनसक्सेसफुल साबित हुई थी। जहाँ पे इस फिल्म के जो OTT राइट्स थे सभी वर्जन के, वो Amazon प्राइम वीडियो वालों ने काफ़ी भारी रकम में खरीदे हुए थे। जहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया था 10 फरवरी 2023 को कि उनके पास इस फिल्म के ऑफिशियल राइट्स है हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा सभी वर्जन के लिए। और उसके बाद में उन्होंने 14 अप्रैल 2023 को इन सभी वर्जन को रिलीज़ करने का फैसला लिया था, लेकिन बाद में चीज़ें पोस्टपोन की गई और उसके बाद में Amazon प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को 11 मई 2023 को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया उनके OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में। तो गाइज़, अगर आपको फ़िलहाल में इस फिल्म को ऑफिशियली देखना है तो OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर तेलुगु मेन लैंग्वेज के साथ हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम इन सभी डब्ड वर्जन में ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शाकुंतलम फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल, विथ सब्सक्रिप्शन, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम इन सभी वर्जन में, जहाँ पे तेलुगु मेन वर्जन है, बाकी सभी डब्ड वर्जन है। तो दोस्तों, इस तरह से शाकुंतलम फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। शाकुंतलम जो 2023 की इंडियन तेलुगु लैंग्वेज एक माइथोलॉजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को पैन इंडिया लेवल पे क्रिएट किया गया था, जहाँ पे फिल्म को तेलुगु वर्जन में बनाया हुआ था, वहीं पे तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी इन सभी वर्जन में फिल्म को डब करके थिएटर में रिलीज़ किया हुआ था। शाकुंतलम एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म थी जिसको काफ़ी हाई बजट में बनाया हुआ था। करीबन बताया जा रहा था कि 60 से 70 करोड़ जितना इस फिल्म का बजट है, तो उस हिसाब से इस फिल्म में काम किया हुआ था। जहाँ पे इस फिल्म के जो जॉनर है माइथोलॉजिकल रोमांटिक ड्रामा, उसमें लिखावट की हुई है गुनाशेखर ने। फिल्म के डायलॉग साई माधव बुर्रा ने लिखे हुए। शाकुंतला जो कालिदास की बुक थी उसके ऊपर इस फिल्म की कहानी को डेवलप किया हुआ था। स्क्रीन प्ले डायरेक्शन गुनाशेखर का था, वहीं पे प्रोड्यूस किया हुआ है नीलिमा गुना ने। और इस फिल्म को गुना टीम वर्क्स श्री वेंकटेश्वरा सिनेमा क्रिएशंस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन 65 करोड़ में बनाया हुआ था। श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन प्रोडक्शन कंपनी दिल राजू प्रोड्यूसर किए। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूट इस फिल्म को फिल्म्स ने किया हुआ है, जिन्होंने हिंदी वर्जन फिल्म का रिलीज करवाया हुआ था। तेलुगु जो वर्जन था वो डिस्ट्रीब्यूट श्री वेंकटेश्वरा सिनेमा क्रिएशन जो फिल्म के प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने ही करवाया हुआ था। इस फिल्म के टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमेटोग्राफी शेखर वी जोसेफ ने की हुई है। फिल्म की एडिटिंग प्रवीण पुडी ने की हुई थी, जिन्होंने 142 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है, यानी कि फिल्म 2 घंटे 22 मिनट की देखने को मिलेगी, जिसको सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में मनीष शर्मा ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स कंपोज किए हुए, जहाँ पे इस फिल्म में टोटल 4 गाने सभी वर्जन में, सभी गानों को का राइट्स है वो टिप्स वालों ने खरीदे हुए थे, टिप्स इंडस्ट्रीज़ ने। वहीं पे इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो लीड रोल में समंथा रूथ प्रभु देखने को मिलेगी, जिन्होंने शकुंतला का रोल प्ले किया हुआ है। देव मोहन ने दुष्यंत का रोल प्ले किया हुआ है। सचिन खेडेकर ने कानवा महर्षि का रोल प्ले किया हुआ है। मोहन बाबू ने दुर्वासा महर्षि का रोल प्ले किया हुआ है। अदिति बालन को प्रिया वदा का रोल दिया गया था। अनन्या नागल्ला ने इस फिल्म में अनासोया का रोल प्ले किया हुआ है। प्रकाश राज ने सारंगी का रोल प्ले किया हुआ है। गौतमी ने गौतमी का रोल प्ले किया हुआ है। मधु ने मेनका का रोल प्ले किया हुआ है। कबीर बेदी को कश्यप महर्षि का रोल दिया गया था। जिसु सेन गुप्ता ने इंद्रदेव का रोल प्ले किया हुआ है। कबीर दुहान सिंह को किंग असुरा का रोल दिया गया था। अल्लू आरा जो अल्लू अर्जुन की बेटी है, उन्होंने प्रिंस भारता के रोल में इस फिल्म के साथ अपने सिनेमा जगत में डेब्यू किया हुआ था। एक्ट्रेस के तौर पर, चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर वर्षिनी सौंदरराजन ने सन्मुथी का रोल प्ले किया हुआ है। वहीं पर हरीश उथामन, सुब्बाराजू, आदर्श बालाकृष्णन, यश पुरी भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल में देखने को मिलेंगे। तो ये फिल्म की प्रोमिनेंट कास्ट है, जिन्होंने इस फिल्म में इंपॉर्टेंट किरदार प्ले किए हुए थे। प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म के प्रोडक्शन की शुरुआत 2017 में ही की गई थी, जहां पे पहले इस फिल्म के अलावा एक फिल्म बनने वाली थी। डायरेक्टर गुणाशेखर ने हिरण्यकश्यप फिल्म के ऊपर बातचीत की हुई थी। राणा दग्गू भट्टी उसमें लीड रोल में होने वाले, एक हिस्टोरिकल एपिक टेल होने वाली असुरा की और हिरण्यकश्यप के बीच की। बाद में अक्टूबर 2020 में अचानक डायरेक्टर ने बात की हुई थी कि प्री प्रोडक्शन है वो हिरण्यकश्यप का कंप्लीट हो चुका है। कोविड के दौरान चीज़ें चेंज हो गई और उसके बाद में उन्होंने कहा कि इस फिल्म की शूटिंग आने वाले समय में नहीं बनेगी, लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक और फिल्म बनाई हुई है, कालिदासा के 4th century प्ले शाकुंतला के ऊपर। तो उस फिल्म की कहानी को हम इसमें इस फिल्म में उनको इर्द गिर्द उनकी और दुष्यंत की जो लव स्टोरी है शाकुंतला की, वो इस फिल्म में दिखाएंगे। जहाँ पे इस फिल्म में पहले उन्होंने अनुष्का शेट्टी को अप्रोच किया हुआ था इस रोल के लिए। इससे पहले उन्होंने रुद्रमादेवी के साथ उनके साथ काम किया हुआ था, वो फिल्म वैसे कुछ सक्सेसफुल नहीं साबित हो पाई थी। उसके बाद में उन्होंने इस फिल्म के लिए मलयालम एक्टर देव मोहन को अप्रोच किया हुआ था दुष्यंत का रोल करने के लिए। उनको एक किरदार पसंद आया था। एक्ट्रेस के तौर पर रिसाइबा को अप्रोच किया गया था कुछ इंपॉर्टेंट रोल के लिए, कैरेक्टर रोल के लिए, लेकिन उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं हुई थी। बाद में वो इस फिल्म में से आगे बढ़ चुकी थी सेवरल रीजंस के चलते। समंता को इस फिल्म में ऑफिशियली कास्ट किया गया था, लीड रोल दिया गया था, जहाँ पे देव मोहन के अपोजिट उनको कास्ट किया हुआ था। उसके बाद में अलग अलग एक्टर्स को इस फिल्म में कास्ट किया गया था। उसके बाद में इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की गई थी। नॉर्थ का पूरा सेट तैयार किया हुआ था, हस्तिनापुर का, कश्मीर का, हिमालय इसका, तो वो सभी चीज़ें सेट बना के क्रिएट की हुई थी। सेट डिज़ाइन अशोक कोलारथ ने की हुई थी। उसके बाद में नीता लुल्ला जो एक नेशनल अवॉर्डी है, फैशन डिज़ाइनर है, उन्होंने इस फिल्म की कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की हुई थी। इससे पहले रुद्रमादेवी की कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी उन्होंने ही की हुई थी। फिल्म की शूटिंग को 15 मार्च 2021 से अन्नपूर्णा स्टूडियो से स्टार्ट किया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म को कोविड के चलते रोकना पड़ा था। वैसे फिल्म को हैदराबाद में अन्नपूर्णा स्टूडियो में बाद में वापस से स्टार्ट किया हुआ था, जहां पे इस फिल्म को पूरी तरह से अगस्त 2021 में अन्नपूर्णा स्टूडियो में कंप्लीट करवाया हुआ था। अगस्त के लास्ट वीक में इस फिल्म को कंप्लीट करवाया था। उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में विजुअल, ग्राफिक्स, इन सभी चीज़ों के ऊपर काम किया गया था। कुछ टैलेंटेड आर्टिस्ट थे, जहाँ पे VFX के लिए कनाडा, हांगकॉन्ग, चाइना इस फिल्म को विजुअलाइजेशन राइट के लिए ले जाया गया था। और इस तरह से बाद में इस फिल्म को पूरी तरह से VFX में भी कंप्लीट करवाया था। समंथा ने अपनी डबिंग पोर्शन को अप्रैल 2022 में कंप्लीट करवाया था। उन्होंने इस फिल्म के लिए तेलुगु, तमिल और हिंदी वर्जन में अपना डब वॉइस और खुद किया हुआ था। उसके बाद में जनवरी 2022 तक अल्लू आरा ने अपना डबिंग कंप्लीट किया हुआ था। उसके बाद में इस फिल्म का 3D फॉर्मेट कन्वर्ट करवाया गया था। 2023 में जनवरी महीने में इस फिल्म को 3D में कन्वर्ट करवा के कंप्लीट करवाया था। उसके बाद में सेंसर सर्टिफिकेशन लिया गया था। इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था। फिल्म में टोटल 4 गाने थे, जिसको मनीष शर्मा के पास कंपोज करवाया हुआ था। म्यूजिक डिपार्टमेंट में जो कंपोजिशन है बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स के, वो मनीष शर्मा ने की हुई थी। इसके अलावा 21 मिनट 36 सेकंड के साउंड ट्रैक था, जहाँ पे इस फिल्म के ट्रैक लिस्ट की बात करें तो पहला गाना था मल्लिका मल्लिका, जिसके लिरिक्स चैतन्य प्रसाद ने लिखे हुए हैं। सिंगर रम्या बेहरा थी, वहीं पे रुसिवन लोना करके जो गाना था उसके लिरिक्स श्रीमनी ने लिखे हुए थे। चिन्मयी श्रीपाड़ा और सिद्ध श्रीराम ने गाया हुआ था। यल्ले लो गाने को लिखा हुआ है चैतन्य प्रसाद ने, गाया हुआ है अनुराग कुलकर्णी ने। मधुरा गथम करके जो गाना है उसके लिरिक्स श्रीमनी ने लिखे हुए थे। सिंगर अरमान मलिक और श्रेया घोषाल थे। इसके अलावा हिंदी वर्जन में उन गानों को लिखा हुआ था प्रशांत इंगोले ने, लिरिक्स उनके थे सभी गानों के लिए। पहला गाना था मल्लिका मल्लिका, उसको रम्या बेहरा ने ही गाया हुआ था। ऋषि मुनिया का करके जो गाना था उसको चिन्मयी श्रीपाड़ा और नरेश आयर ने गाया हुआ था। यल्ले को जावेद अली ने गाया हुआ था। मधुरा कल तू, उसको अरमान मलिक और श्वेता मोहन ने गाया हुआ था। तो इस तरह से हिंदी व ट्रैक लिस्ट को भी तैयार किया हुआ था। फिलहाल में सभी वर्जन के जो गाने हैं वो टिप्स के अलग अलग जो यूट्यूब चैनल है तेलुगु, तमिल, मलयालम, हिंदी वर्जन के लिए, वहाँ पर सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली सुनने को मिल जाएंगे। शाकुंतलम की कहानी के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म की कहानी और शाकुंतला के किरदार के ऊपर सेट की हुई है, और उसमें जो प्ले ओरिजिनली में जो घटा था जो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए हुए, जहाँ पे इस फिल्म में पूरी तरह से शाकुंतला और दुष्यंत की जो रिलेशनशिप है उसको एक एंगल के साथ प्रूव करने की कोशिश की हुई, वो सभी चीज़ें फिल्म में दिखाई हुई है। इसके अलावा इस फिल्म में समंथा ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है, जहाँ पे उनका स्क्रीन टाइम आपको सेकंड हाफ में कम नजर आएगा। हाँ, लीड एक्ट्रेस है, मेन किरदार है, टाइटल उनके ऊपर ही है, तो भी उनका रोल सेकंड हाफ में कम है, लेकिन उसके बावजूद वो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हैंडल कर रही थी। इमोशनल सीन्स में समंथा ने अपना एक मकाम हासिल किया हुआ है फिल्म के साथ। उन्होंने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म में जो किरदार है वो प्ले किया हुआ था अपना, उसमें उनका जो अलग अलग शेड्स देखने को मिलता है वो बढ़िया है। देव मोहन के साथ उनकी केमिस्ट्री बढ़िया नज़र आ रही थी। देव मोहन ने भी बखूबी अपना काम किया हुआ है, उनका भी करिश्मा, उनका लुक फिल्म में काफ़ी बढ़िया नज़र आता है। इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने अपना काम अप्रोच किया हुआ है किरदार के प्रति वो बढ़िया था। दूसरे सपोर्टिंग आर्टिस्ट जैसे कि मोहन बाबू है, अल्लू आरहा है, ये सभी है, उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। सभी एक्टर्स का काम बढ़िया था, सभी ने अपना काम बखूबी निभाया हुआ है। उसके बावजूद फिल्म को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया था वो थोड़ा डल नज़र आता है। डायरेक्टर थोड़ा बेहतर वे में इन सभी चीज़ों को दिखा सकते थे। स्क्रीन प्ले फिल्म का बेहतर हो सकता था, जो आइडिया था उसमें जो सिंप्लिसिटी स्टोरी में नज़र आती है उसको थोड़ा बेटर वे में हमारे सामने पेश किया जा सकता था। कहानी काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो जाती है। ड्रामा चीज़ों को काफ़ी मेजोरिटी वे में मिसिंग वेनर में दिखाया हुआ है। इसके अलावा जिस तरह से कैरेक्टर के साथ हमें कनेक्शन होना चाहिए वो महसूस नहीं होता है। इससे वीएफएक्स और सीजीआई भी काम भी काफ़ी ठीक ठाक नज़र आता है। इसके अलावा इस फिल्म को पहले बताया गया था 80 करोड़ में बनाए, बाद में 60 करोड़ में, पर जिस तरह का वीएफएक्स जो सभी चीज़ें देखने को मिलती है वो कुछ खास नहीं है। 3D वर्जन कन्वर्ट तो किया था लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा इस फिल्म में काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें जिसको बेटर की जा सकती थी, लेकिन ओवरऑल बैकग्राउंड स्कोर डिसेंट था, गाने डिसेंट थे, सिनेमेटोग्राफी डिसेंट नज़र आती है, एडिटिंग काफ़ी बेहतर हो सकती थी। फिल्म के कई सीन्स को चॉप अप किया जा सकता था। प्रोडक्शन वैल्यू फिल्म की बजट के हिसाब से जिस तरह जो चीज़ें देखने को मिलती है वो काफ़ी पुअर नज़र आती है। ओवरऑल ये एक ऐसी मैथकल ड्रामा फिल्म है जो हमें इम्प्रेस करने में फेल हो जाती है। इमोशनली इस फिल्म की चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से कुछ चीज़ों को दिखाया हुआ है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें फिल्म से मिसिंग नज़र आती है। ड्रामा जिस तरह से वीएफएक्स पोर्शन है वो सभी चीज़ें जिस तरह से हैंडल किए हुए वो सभी चीज़ें बहुत ही इम्पैक्ट को रिड्यूस करती हुई नज़र आती है। तो ओवरऑल समंथा की ऑनेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से इस फिल्म को अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, अदरवाइज फिल्म में ऐसा कुछ खास नहीं है। शाकुंतलम फिल्म को तेलुगु के साथ तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में 14 अप्रैल 2023 को थिएटर में रिलीज़ किया गया था। फिल्म को जब थिएटर में रिलीज़ किया गया तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से एक मिक्स रिस्पांस मिला, जिसके चलते आईएमडीबी के ऊपर इस फिल्म को 4.7 की रेटिंग हासिल हुई 10 में से, जिसमें करीबन फिल्म को आईएमडीबी पे करीबन 700 वोट मिले हुए थे। तो एक बिलो एवरेज रेटिंग हासिल हुई थी फिल्म को। उसके बाद में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे भी कुछ उसी काइंड ऑफ कलेक्शन किया हुआ था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरह से फेल साबित हुई थी। इस फिल्म ने जिस तरह से अपनी ओपनिंग ली हुई थी उससे अंदाज़ा लग गया था कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगी। आपको पहले मैं हिंदी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन की डिटेल दे देता हूँ। पहले दिन फिल्म ने 32 लाख का नेट कलेक्शन किया था, दूसरे दिन 29 लाख का, तीसरे दिन फिर से 32 लाख का नेट कलेक्शन करते हुए 93 लाख का इस फिल्म ने इंडिया में हिंदी वर्जन का वीकेंड कलेक्शन लिया हुआ था। नेट कलेक्शन 10 लाख का मंडे के दिन, 9 लाख का ट्यूसडे के दिन, वेडनेसडे के दिन फिर से 8 लाख का, थर्सडे के दिन 7 लाख का कलेक्शन करते हुए इस फिल्म ने एक वीक तक बहुत ही बुरी तरह से सर्वाइव किया हुआ था, जहाँ पे हिंदी वर्जन 1,27 करोड़ में ही सिमट गया था। तो हिंदी वर्जन फिल्म का नहीं चला, ठीक उसी तरह तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम कोई भी वर्जन नहीं चला, जिसके चलते समंता का जो स्टारडम था उस हिसाब से फिल्म डिसेंट वे में ओपनिंग ले सकती थी, लेकिन गुणाशेखर ने जिस चीज़ों को पेश किया होता वो पूरा एक वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट किया, जिसके चलते फिल्म वीकेंड में ही फ्लॉप हो गई। जहाँ पे इस फिल्म ने 65 करोड़ के बजट के सामने सिर्फ 20 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया। बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म एक बॉक्स ऑफिस बॉम्ब साबित हुई, अनसक्सेसफुल साबित हुई थी। जहाँ पे इस फिल्म के जो OTT राइट्स थे सभी वर्जन के, वो Amazon प्राइम वीडियो वालों ने काफ़ी भारी रकम में खरीदे हुए थे, जहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया था 10 फरवरी 2023 को कि उनके पास इस फिल्म के ऑफिशियल राइट्स है हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा सभी वर्जन के लिए। और उसके बाद में उन्होंने 14 अप्रैल 2023 को इन सभी वर्जन को रिलीज़ करने का फैसला लिया था, लेकिन बाद में चीज़ें पोस्टपोन की गई और उसके बाद में Amazon प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को 11 मई 2023 को ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिया उनके OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम और हिंदी वर्जन में। तो गाइज़, अगर आपको फ़िलहाल में इस फिल्म को ऑफिशियली देखना है तो OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर तेलुगु मेन लैंग्वेज के साथ हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम इन सभी डब्ड वर्जन में ऑफिशियली एंजॉय कर सकते हो। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि शाकुंतलम फिल्म को अगर आपको ऑफिशियली देखना है तो Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम इन सभी वर्जन में, जहाँ पे तेलुगु मेन वर्जन है, बाकी सभी डब्ड वर्जन है। तो दोस्तों, इस तरह से शाकुंतलम फिल्म आप ऑफिशियली एंजॉय कर पाओगे। तो बस गाइस, शाकुंतलम फिल्म के ऊपर जितने भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, जो बातें थी, वो मैंने शेयर कर दी है। फिल्म के प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है। फिल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है, जहाँ पे मैंने इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस करके दी हुई है। फिल्म की स्टार का, सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसेस के बारे में बातचीत की हुई है। म्यूजिक डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी दे दी है। साथ ही में फिल्म से जुड़े सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मैंने शेयर कर दिए हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।